हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल पर। इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पत्रिदस संहित तत्पर्य। इसीलिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम लोग शुरू करेंगे, जब लोग तक बैठेंगे हम लोग शुरू करेंगे भजन। और आज ऐसा प्रार्थना हम लोग देखा, परा प्रार्थना हम लोग अंत में पढ़ेंगे। आज आप सब लोगों के साथ ऐसा प्रार्थना करेंगे भगवान गौरांग महाप्रभु के लिए, जो प्रार्थना सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबसे बड़ा विद्वान पंडित था, प्रताप रुद्र महाराज का अपना गुरु था। उन्होंने ऐसा प्रार्थना भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए बना दिया और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया, कोई भी व्यक्ति इस गौरव पूर्णिमा के समय, गौरव पूर्णिमा के समय ये प्रार्थना करते हैं, उनका सारे सारे शुद्ध कामनाएं, प्रार्थना, जितना उनके पास शुद्ध इच्छा है, प्रार्थना है, वो संपूर्ण हो जाएगा, गारंटी 100%। लेकिन शुद्ध प्रार्थना, धन संपत्ति घर में आवे जय जगदीश हरि, वो तो मिलावट है, कर्म उन्मुख की सुकृति, हाँ, ज्ञान उन्मुख की सुकृति, अन्य अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। लेकिन जो वास्तव में कौन सा शुद्ध प्रार्थना करना चाहिए जो संपूर्ण एकदम पूर्ण हो जाएगा, हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू में हम लोग एक भजन गाएंगे, लेकिन मेरा जो भजन था पेपर कहाँ है, ना, सब देखा है, ठीक, इंग्लिश प्रिंट आउट था वो पूर्णकांत प्रभु के पास, इंग्लिश पेपर वर्क, हिंदी में दिखाई नहीं देते, थोड़ा छोटा सा है। प्रभु जी कौन हिंदी में हम लोग अभी पहले अनुवाद करेंगे, कृपया ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी भक्त लोग अंदाज में गाते हैं, वाह 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 वाह, क्या गाते हैं पता नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसलिए हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए मंत्रार्था, मंत्रार्था। अच्छा, सब लोग, मैं देख रहा हूँ अकिंचन प्रभु जी, हरे कृष्णा, कुछ लोग हिंदी समझ, सब लोग समझते हैं हिंदी, सब लोग समझते हैं, कुछ हमारे के दिखाई नहीं देते, समुद्र भक्तों का समुद्र है, हमको दिखाई नहीं देते, 33 करोड़ देवता भी उपस्थित हैं, इसलिए सीमा दिखाई नहीं देते। तो अनुवाद हाँ करते हैं ना, समबडी शुड ट्रांसलेट, इफ समबडी, आई वुड लाइक टू आस्क ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल द वैष्णवस, आपका लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ भी बात करना असंभव है, ठीक है, और गाना भी बिना भगवान की कृपा नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत में जब परमानंद रॉय, रमानंद संपत जो है चैतन्य महाप्रभु और रमानंद रॉय के साथ जो है चर्चा हो गया, और चैतन्य महाप्रभु इतना खतरनाक प्रश्न पूछता था भक्ति के बारे में, बहुत उच्च स्थिति प्रश्न, तो रमानंद रॉय ने कहा, हाँ भाई मेरे को पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, वास्तव में जो मैं बोल रहा हूँ ये आप बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं और आप भी उत्तर भी दे रहे हैं, मुझसे द्वारा है, अंदर से आप ही उत्तर दे रहे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं है ना। हम लोग बोलते हैं ना, बैल मेरा बाप, गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता मेरे को, कुछ पता नहीं है, क्योंकि निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। इसलिए भगवान के बारे में और भगवान को प्रशंसा करना, अगर उनका कृपा नहीं होता, चैतन्य कृपा अगर नहीं होगा, तो ना तो समझना समझ नहीं सकते हैं, या तो उनके बारे में कुछ गुणगान नहीं कर सकते हैं, और विशेष करके भक्तों का कृपा चाहिए,
तो हम आपसे वास्तव में ईमानदार भाव से, मेरा तो अधिकार इधर बैठने का तो है ही नहीं, अब देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से विदेशी आदमी आ गया, मलेशिया देश से जो है, और इतना भारतीय लोगों का और इतना सुंदर ज्योति परिवार में जो है बैठ के बीच में, ऐसा लग रहा है जैसे कौवा जो है, कौवा हंस के बीच में बैठ गया। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन कला, जैसे उसको क्या एक प्रार्थना है चैतन्य चरितामृत में, कलह कलर बलिन इंद्रिय वैरी वैर्य श्री भक्ति मार्ग हकंतक कोटि रुद्ध हह क्वयामि विकलः किम अहम करोमि चैतन्य चंद्र यदि कृपा कृपां करोषि। कृष्णा गान कीर्तन गान नर्तन कला पथोंजनि ब्राजिता सद्भक्तावलि हंस चक्र मधुपाश्रिनी विहारस्पदम कर्णानंदि कला ध्वनिर महतु मे जीवामरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधि तवलसल लीला सुदस्वर्धुनि। क्योंकि भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु गान भक्त, उन्होंने जैसे हंसा और जब पक्षी पानी में नदी में कृष्ण कथा नदी उसमें स्नान करते हैं, देखा ना कभी हंसा ऐसा स्नान करते हैं, धूप के स्नान करते हैं, तो उसी नदी के किनारे हमको भी तो आशीर्वाद दीजिए जो मैं बैठ सकता हूँ, उसी जिस नदी में कृष्ण कथा भक्त लोग जो है स्नान कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, तो इसी लग रहा है हमको जो है वो किनारे बैठ रहा हूँ और देख रहा हूँ कैसे कैसे सारे लोग भक्त लोग स्नान कर रहे हैं इसमें। इसलिए हम लोग आपके साथ कोशिश करेंगे आज अंदर जाने के लिए, गहराई में जाना, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पे किच्छू नहीं पाया बैठे किनारे बैठ, जैसे उसको बोलते अगर कुछ किनारे बैठेंगे कुछ नहीं मिलेगा, जिन खोजा तीन पाइया हमको ढूंढना चाहिए, तब उसको मणि चिंता मणि नोत मणि चिंतन बट चिंता मणि वी हैव टू वरी ऑल दिस चिंता फॉर मनी वी शुड लिव बिहाइंड, बाहर रख लीजिएगा। हम लोग चिंता मणि चैतन्य महाप्रभु का चिंता मणि नाम अभी गाएंगे एक साथ, और वास्तव में भगवान को प्रकाश करने के लिए निवेदन करना पड़ेगा हृदय से, प्लीज़ प्रकाश प्रकाश हो जाइए हमारे बीच में, क्योंकि भगवान को प्रकाश होना कोई उनका मधुर स्व इच्छा से केवल प्रकाश हो सकते हैं, भगवान को जबरदस्ती प्रकाश नहीं करा सकते हैं केवल भक्ति से। तो हम लोग आइए हम लोग एक भजन गाते हैं। ओके हरे कृष्णा। राष्ट्रभक्तों का आज के बहुत ही पावन उत्सव में हार्दिक स्वागत है, और हमारा परम परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे सबसे अधिक प्रिय जिनके पात्री प्रभु उपस्थित हैं। पात्री प्रभु को आप इस अधिकांश आप जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो एक संक्षिप्त परिचय। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना संभव नहीं है, तो पात्री प्रभु भी गुणों की खान है, उनका परिचय देना भी इतना आसान नहीं है, फिर भी कुछ औपचारिक परिचय थोड़ा सा। प्रभु जी इस्कॉन आंदोलन में पिछले लगभग 30 वर्षों से हैं, और इस समय ये इस्कॉन नेपाल के रीजनल सेक्रेटरी हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, और आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में कितने पारंगत हैं, अंग्रेजी भाषा में, रशियन भाषा में, नेपाली भाषा में, और इसके साथ साथ प्रभु जी पहले इस्कॉन में ज्वाइन करने से पहले रशियन आर्मी में आर्मी कमांडर थे, इसके बाद उन्होंने वो आर्मी छोड़ी और प्रभुपाद की आर्मी को ज्वाइन किया, उसके बाद ये मायापुर में रहे लगभग 2 साल, शास्त्रों को बहुत गहराई से अध्ययन किया, फिर बांग्लादेश में, देखिए कहाँ रशिया में इनका जन्म हुआ, कहाँ बांग्लादेश में प्रचार किया, और बांग्लादेश में को प्रचार करने के बाद फिर ये अलाहाबाद में आए, अलाहाबाद में वाइस प्रेसिडेंट रहे इस्कॉन अलाहाबाद के, अभी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, नेपाल में, दुबई, रशिया, अमेरिका, थाईलैंड में, और भारत में भी कभी कभी आते हैं, और कभी आप जानते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए उत्साह क्या होता है, तो उत्साह की मूर्तिमान रूप है एकदम, पर्सनिफाइड फॉर्म ऑफ एंथुसियाज्म, और कभी के पास कोई भी इनके संपर्क में आता है उनके हृदय को निश्चित रूप से बोझ छूते हैं और उसको उनका कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। सो हम पिछले कई वर्षों से मैं पादरी के संपर्क में हूँ, इनमें इतना ज्ञान है, आप देखते हैं कि किस प्रकार से इनका जन्म रशिया भाषा में हुआ, और कितने अच्छे संस्कृत के श्लोक वैदिक शास्त्रों को उच्चारण करते हैं,
और वेदों की गहराई जो तत्व है शास्त्रों के तत्व को गहरे गहरे तत्व को बहुत ही आसानी से सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आज के दिन गौर पूर्णिमा के दिन स्वयं पत्री को यहाँ पर उपस्थित है ये अलाहाबाद में थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, इतने पहले रिक्वेस्ट किया, दे वर वेरी बिजी, बहुत व्यस्त थे, काफी रिक्वेस्ट किया तो हालांकि कोई ट्रेन नहीं मिली, कोई प्लेन नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से एक सीट में के साथ दूसरे भाग के साथ दोनों बड़ी कठिनाई से सफर करके आए हमारे लिए, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इनके साथ साथ हम इनके साथ आए भक्त कलनी मोहन प्रभु का भी स्वागत करना चाहेंगे, मायापुर वृंदावन कीर्तन करते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और सबको हरि नाम का दान प्रदान करते हैं। तो हम लोगों को इतना सौभाग्य है कि गौर पूर्णिमा जैसे पावन सब पे आज हमें संग प्राप्त हो रहा है इस पात्री प्रभु संगीर्तन कृष्ण प्रभु और इस कामरी मोहन प्रभु जी का। तो आइए इन तीनों भक्तों का हृदय से स्वागत करें। हरे भक्तों से निवेदन है कृपया करके बहुत ही शांति से आज पूरा फास्टिंग है और पूरे ऐसे प्रभु जी कह रहे हैं कि गहराई में डूब जाएं, सारी चिंताएं भूल जाएं, क्या बाहर होली खेली जा रही, क्या खेला जा रहा है, और पूरे उत्साह से और शांति से प्रभु जी के मुखारविंद से चैतन्य कथा सुने और उसका पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भजन है ना। हे मेरे प्रिय भगवान गौरांगा, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन पर अपनी कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक पतित और कोई भी नहीं है। हे भगवान गौर, अपने दांतों में घास के तिनके को पकड़े हुए मैं आपको अब पुकार रहा हूँ, कृपया मुझ पर दया कीजिए एवं मेरे हृदय के मंदिर में आकर वास कीजिए। यदि यहाँ देखते हुए भी कि मैं कितना पतित हूँ, आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, तब आप पतितों के दयालु रक्षक पतित पावन क्यों कहलाते हैं। मैं इस भौतिक जगत के सागर में अत्यधिक प्रचंड तूफान से आक्रांत लहरों के बीच में धकेला रहा हूँ गया हूँ, जिसमें से बचकर नहीं निकल सकता है। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर आपका दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर यहाँ प्रार्थना करता है। Thank you.
Gauranga Karuna Koro Dina Hina Jane Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhuvane Coro par Hare Shiva Tu Hare Nahi Gani Sa Shikaranga Nahi Dase Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dase Ranudas Pratana Koro Ye Sada Narotamo Dasa Prabhu Nahi Tribhuvane Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gauranga Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Sachinandana Jai Sachinandana Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hari Nityananda Pranadana Nityananda Pranadana Nityananda Pranadana Nityananda Pranadana Nityananda Pranadana Gaura Hari Gadadhara Mohana Gadadhara Mohana Gadadhara Mohana Gadadhara Mohana Gadadhara Mohana Gaura Hari Sachi Mata Nandana, Sachi Mata Nandana Sachi Mata Nandana, Sachi Mata Nandana Sachi Mata Nandana, Gaura Hari Sachi Mata Nandana, Yuga Avatara, Yuga Avatara Yuga Avatara, Yuga Avatara Hey, Patita Pavana Gaura Hari Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bol Gaura Hari Bol
चैतन्य महाप्रभु की। जो सो गए उठिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 श्लोक संख्या 5। जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गण जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गण सबर प्रेम जूत ज्योत्स्नाया उज्ज्वल त्रिभुवाना जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गण सबर प्रेम ज्योत्य उज्ज्वल त्रिभुवाना जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गण सबर प्रेम ज्योत ज्योत्स्नाया उज्ज्वल त्रिभुवाना जाया जय हो श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की। चंद्रेरा जो चंद्र की भांति चमकते हैं भक्ता भक्त चंद्रगण अन्य चंद्र सबारा उन सबके प्रेम ज्योत्स्या स्नाया भगवत प्रेम के पूर्ण प्रकाश से उज्ज्वला उज्ज्वल त्रिभुवाना तीनों भुवन। अनुवाद और तत्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। उन सारे चंद्रमाओं की जाय हो जो चैतन्य महाप्रभु नमक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनका उज्ज्वल चंद्र प्रकाश समुचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तात्पर्य इस श्लोक में चंद्रगान बहुवचन सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि चंद्रमा अनेक हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं नक्षत्राणम अहम शशि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। सारे नक्षत्र तारे चंद्रमा के समान हैं। पाश्चात्य ज्योतिष ऋविदा नक्षत्रों का सूर्य समान मानते हैं किंतु वैदिक ज्योतिर्विद वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करके फलस्वरूप इन्हें चंद्रमा के समान मानते हैं। सूर्य में बड़े जोर से
चमकने की शक्ति होती है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने के कारण उज्ज्वल प्रतीत होता है। चैतन्य चरितमृत में कृष्ण को सूर्य की भांति बतलाया गया है। परम शक्तिमान तो भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और उनके भक्तगण भी उज्ज्वल तथा प्रकाशमय हैं, क्योंकि वे सर्वपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करते हैं। चैतन्य चरितामृत का कथन है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सूर्य के उदय होते ही अंधकार या अज्ञान के रह पाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी प्रकार इस श्लोक में भी यहाँ वर्णन हुआ है कि कृष्ण रूपी सूर्य प्रकाश के परिवर्तन से प्रकाशित इन चंद्रमाओं के प्रकाश से या चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की कृपा से यहाँ सारा जगत कलियुग के अंधकार के बावजूद प्रकाशित हो उठेगा। केवल चैतन्य महाप्रभु के भक्त ही कलियुग के अंधकार को इस युग के जानता है के जानता के अज्ञान को दूर कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अतएव हमारी यही कामना है कि कृष्णा भावनामृत आंदोलन के सारे भक्त सर्वपारी परिवर्तन करते हुए सारी जगत के अंधकार को दूर करें। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापदं सहगण ललितश्रीविशखन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कंता राधकंता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य प्रभु मंदे बलोपियतुग्रह तरिन्न नामता ग्रहा व्यक्तम सिद्धांत सागरम अजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वंबरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ। इस श्लोक में कविराज गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए और भक्तगण के लिए। जैसे संग वैसे रंग, क्योंकि हम लोग कहते हैं
सूरज के सामने तारा भी चमकते हैं, चंद्रमा के सामने तारा भी चमकते हैं। और भक्ता वास्तव में भगवान से कभी कभी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वास्तव में हम लोग जानते हैं जीवन का उद्देश्य भगवान को भक्ति प्राप्त करना, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार कहाँ जाते हैं, नति विदुस्वर्थ गतिम ही विष्णुम दूरा सया ही बहिरथ मानिना अंधायन थंदरूपनीय मानस तिपि स्वतंत्र मुरुदम निबंध। इस संसार में सारे लोग भगवान से विपरीत हो गया, नते विदु स्वर्थ गति, अपना स्वर्थ गति नहीं जानते हैं, अपना जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं, क्यों जी रहा है, मैं कौन हूँ इस संसार में, अमी के किनो आमी जापुता पुत्रो है। हमारा आचार्य सनातन गोस्वामी पूछते हैं मैं कौन हूँ, लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है। स्वर्थ गति प्रभुपाद जी समझाते हैं, हमारा पास दो गति हो, मतलब इच्छा होता है, एक प्रेयस और श्रेयस, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस मतलब तत्काल, मेरे को चाहिए चाहिए, वांट वांट वांट, मेरे को चाहिए। लेकिन श्रेयस मतलब अभी नहीं मिलेगा लेकिन कुछ भविष्य के लिए, हित के लिए। बच्चों को स्कूल नहीं जाना है लेकिन पिताजी कान पकड़ के उसको स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो भविष्य तो उजाला नहीं होगा। उसी प्रकार भविष्य के लिए अभी दिखाई नहीं देते हैं लेकिन भविष्य के लिए श्रेयस बोलते हैं। तो शास्त्र कहते हैं पांचस्कंद भागवतम में श्रेयसी नष्ट दृष्टि, श्रेयसी नष्ट दृष्टि, अन्योन्य वैर सुख लेश हेतु हो अनंत दुखम चनवेद मुधा, मुधा गधा मूर्ख। थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा सुख लेश हेतु हो, थोड़ा सा सुख के लिए इतना पागल लोग जो है श्रेयसी नष्ट दृष्टि है, उनका जो है श्रेयस जो भविष्य का असली उद्देश्य है परमार्थ, वो नष्ट हो गया। अनंत दुखम असीमित दुख में फंसा हुआ है, बोलते हैं हाय हाउ आर यू फाइन फाइन, बेवकूफ नहीं जानते हैं चनवेद मुधा। और सारे लोग जो हैं उसी दया के कारण संसारिनम करुणयाह पुराण गुह्यम, यह गुह्य ज्ञान हमारे आचार्य शुक्रदेव गोस्वामी से लेकर व्यासदेव महाराज से सारे परंपरा आचार्य लोग और अब जो हैं अवतरित चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गया लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, और उनके प्रतिनिधि भक्तगान भगवान के प्रतिनिधि। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गया बंगाल में, आप देखिए चैतन्य महाप्रभु का लीला गुणगान करना बहुत मुश्किल है। जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण में आप प्रभुपाद जी बताते हैं कौन सा चॉकलेट लॉलीपॉप ले लीजिए, इस तरफ हर तरफ से जो है अगर उसको थोड़ा स्वाद करो वो मीठा है, मधुरा मधुरे बीपी स्वदु स्वदु पदे पदे, लेकिन किस कहाँ से, मेरे को भी थोड़ा सा अभी चंचल है कहाँ से शुरू करूँ। भगवान तो प्रकट हो गया, कैसे शुरू किया जाए। इसलिए जब तक भक्तों का कृपा भगवान का कृपा नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हो गया, और भगवान का लीला जन्म समझना बहुत अनिवार्य है। क्यों लोग पूछते हैं क्यों हमको भगवान का लीला, क्या कोई दूसरा काम नहीं है, अभी तो जीना है जीना है, तो अभी तो बाद में जो बुरा पाएगा तब भक्ति करना अगरबत्ती मोमबत्ती, अभी तो जीना है जीना है, अभी होली है ना, होली प्रेम प्रेम प्रेम, सारे लोग ये प्रेम जो है मुख मुख में जो है आजकल कुत्ता बिल्ली भी प्रेम 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 बोलते हैं सब लोग, लेकिन ये दुरुपयोग कर रहे हैं इसी शब्द को, शब्द को जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, यूजिंग मिस यूजिंग इस तो, लेकिन वास्तव में असली प्रेम है क्या, इसके लिए समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसी प्रेम को लेकर के प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, भक्त रूप स्वरूप कम भक्त का रूप स्वीकार करके हमको सिखा रहे हैं असली प्रेम है क्या। अब देखिए अभी महत्वपूर्ण दिन है, वो होली भी चल रहे हैं, होली है कि नहीं, लेकिन होली एक प्रकार की युद्ध है कि नहीं। कौन बरसाना में कौन गया था, होली में गया कोई, बरसाने का होली बरसाना से ही शुरू होता है,
उसमें जो है पंडित लोग आते हैं नंदगांव से जो है, और बरसानी के पंडित लाइन लाइन में बैठते हैं ऐसा, और बीच में जो है एक बजाने वाला बीच में बैठ, और बाद में लोगों को गाली देते हैं कृष्ण जी को, कहाँ से आ गया तुम लोग, गाली देते हैं, दो लाइन मार दिया, और बाद में जो नंदगांव का पंडित लोग झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन देखिए राधारानी का नाम उच्चारण नहीं करते हैं, बिल्कुल मना किया गया है। कृष्ण जी का नाम बोलते हैं, ओ लंपट है ये वो, लेकिन पंडित लोग सबसे श्रेष्ठ राधारानी है, उसका चुप, राधारानी का नाम लेते नहीं। सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद भागवत महापुराण में राधारानी का नाम भी एक बार भी नहीं लिया, थोड़ा बाईपास रोड में थोड़ा सा उच्चारण ले लिया, आराधनीय गोपी बता दिया, वो भी बेहोश होने वाला है। आजकल जो है बता रहा हूँ कि सारे लोग जाए राधे राधे जा पच्चा ले आएंगे भी इतना सस्ता समझते हैं, सस्ता कमल रास्ते में, लेकिन उसका दाम तो मालूम होना चाहिए ना। अगर हमको सोना सोना खरीदना है ना, हमको तीन चीज़ मालूम होना चाहिए, तीन चीज़ मालूम चाहिए, सोना है क्या, उसका दाम क्या है, और वो कहाँ कहाँ मिलता है। पंजाबी बाग में तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा दाम देना पड़ेगा ना, लेकिन वो दाम पैसा नहीं है। आज का लोग समझते हैं चलो ठीक है थोड़ा ले लेंगे सस्ता का माल, लेकिन देना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं एक नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम है सिंह चैतन्य, उनका बक्षस्थल सिंह की तरह बिल्कुल, मैं हूँ ना चैतन्य महाप्रभु चांद का जी, बहुत कहानी है उसको, उसी कहानी में डूबना अभी कतरा लगता है, अगर डूब जाएंगे तो उसमें निकलना मुश्किल होगा। चैतन्य महाप्रभु सिंह चैतन्य उनका नाम था, और उनका कृपा जो है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। हम लोग बोलते आप शेरनी का दूध कोई पिया इधर दिल्ली में वाली पिया, शेरनी का दूध नहीं मिलता है दिल्ली में, क्यों बाघ सिंह जो होता है ना उनका शेरनी उनका श्रीमाती तो बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, पेप्सी कोला नहीं पिलाते हैं ना, दूध पीते हैं, लेकिन उसका दूध निकालना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले शेरनी को ढूंढना पड़ेगा जंगल में, और जो बच्चों के साथ शेरनी होता है उसके सामने ही नहीं आ सकते हैं, तो उसको सरकार को केवल अनुमति दिया जाता है, उसको ऐसा गोली से मारते हैं जो उसको सो जाते हैं, सो जाएगा थोड़ा कुछ मिनट के लिए, उस समय जो है 15 मिनट के अंदर थोड़ा सा दूध निकाल सकते हैं, मालूम है ना। वो दवाई के लिए रसायन के लिए जो विशेष विशेष दवाई होता है उसमें जैसा सांप का जहर होता है उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको सीमित रूप में उसको डाल दिया जाता है तो ताकत के लिए। लेकिन ये दूध बहुत तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है, उसी दूध को जो है सोने के बर्तन में रखा जाता है, मिट्टी के बर्तन में नहीं रखेंगे, तेजाब जैसा करेगा खत्म हो जाएगा बर्तन, इसीलिए उसको रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, समझ रहे ना। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर कोई चाहते हैं तो हमारा हृदय सोने के बर्तन जैसा होना चाहिए। अगर हमारा काम करोड़ लोह माह मत्सर वो पिकल जाएगा, रह नहीं पाएंगे ये भक्ति। उसी प्रकार जो है कृष्ण गान चंद्र गान चैतन्य महाप्रभु का भक्त गान, भक्तों का जो है सोने का हृदय होता है, इसलिए उनके पास भक्ति है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शकाती आचे शिला प्रभुपाद जैसे। इसी प्रकार जो है हम लोग देखते हैं आजकल लोगों के पास कोई श्रेयसी नाश्ता दृष्टि हो रास्ता नहीं जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसलिए आते हैं इसी दर्शन मार्ग दिखाने के लिए हमको। और चैतन्य महाप्रभु बेंगोल में प्रकट हो गया, बेंगोल जानते हैं क्यों बेंगोल में उचित है। आप देखिए भारत में कहीं जितना जगह है, दक्षिण भारत देख लीजिएगा, उड़ीसा देख लीजिए, बद्री का आश्रम देख लीजिए, प्राचीन मंदिर है ना, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है। बंगाल में देखिए विशेष कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, 5000 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना, देखो कहाँ है मंदिर है बंगाल में। क्योंकि कविराज गोस्वामी और चैतन्य भागवतम समझाते हैं हमको, बंगाल में लोग इतना भौतिकवादी नास्तिक थे, लेकिन बहुत ऐश्वर्य भी था। नवद्वीप में हम लोग पढ़ते हैं इतना ऐश्वर्य इतना ज्ञान, सारे पंडित लोग आता था पढ़ने के लिए,
लेकिन उनके पास इतना ऐश्वर्य था, पैसा था, कुत्ता कुत्ता के साथ जो है क्या क्या पार्टी कराता था और मैरिड करता था उसको, क्या पार्टी बनाता था, कुत्ता को भी क्या शादी कराता था, और सारे देवी देवता उनको पूजा करता था, और पूजा करने के बाद पानी में धूप के फेंक दीजिए। सीताराम दुर्गा को पूजा करते हैं और बाद में नवरात्रि के बाद तपस्या करने के बाद दुर्गा जी को जो है पानी में डुबा देते हैं, उसको जरूरत नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं ये मायावादा है। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, और एक नाला था पानी का, तो एक शिष्य उसमें पार किया था और प्रभुपाद जी को हाथ दे दिया, प्रभुपाद जी आइए आइए आइए, प्रभुपाद जी हाथ दे दिया और मिला के शिष्य उनको खींच लिया इस तरफ, तो प्रभुपाद जी पार किया था, और जब प्रभुपाद जी पार किया था उसी शिष्य का हाथ ऐसा दबा के शिष्य गिर पड़ा जमीन पर। श्री प्रभुपाद ये क्या है? प्रभुपाद बता रहे ये क्या है, ये मायावादा है। हमको गुरु चाहिए पार करने के लिए, जब जो हमको चाहिए मिल गया गांव, हमको गुरु नहीं चाहिए, बस हो गया हमको गुरु स्वाहा, हमको गुरु नहीं चाहिए, है ना। हम लोग बोलते हैं आजकल शिष्य लोग गुरु भी मायावादी होता है, इसलिए प्रभुपाद जी का मिशन था निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष। कल भक्त लोग, मैं बॉम्बई में गया था तो एक गुरुदास प्रभु से मिल गया, प्रभुपाद जी का सबसे श्याम सुंदर गुरुदास प्रभु, मेरे को याद दिलवा दीजिए, मैं आपको अंत में जरूर या अभी बताऊंगा, अभी भूल जाऊंगा, मेरे को कहानी बता दिया। प्रभुपाद जी कितना जो है व्यक्तित्व रूप में थे, एकदम भक्तों के साथ भक्तगान, चैतन्य महाप्रभु का एकदम आदर करता था सबको। आप कैसे हैं, बिल्कुल निर्विशेष मायावादी नहीं थे, बिल्कुल व्यक्तित्व रूप में बात करता था, और आसान प्रभुपाद जी के पास था, सब भक्तों के आपस में जो है ऐसा संबोधन हो व्यक्तित्व रूप में, निर्विशेष मतलब निराकार नहीं होना चाहिए। ददाति प्रतिगृहणति, हाँ ददाति प्रतिगृहणति गुह्यम अच्छति पृच्छति भुंक्ति बुझायति छैव सत्विधि प्रीति लक्षणम, प्रीति लक्षण भक्तों के बीच में होना चाहिए। लेकिन आजकल हमें कई बार देखा भक्त लोग जाते हैं प्रभु हरि बोल, हरि बोल दो सेकंड के लिए हरि बोल, बहुत एकदम भक्ति है, दिखावा चीज नहीं है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पीपल से डोंट केयर व्हाट यू नो, पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर, लोगों को मतलब नहीं है आपके पास कितना श्लोक भक्ति शास्त्री भक्ति वैभाव ट्रिपल सुपर पुपर, ये आपके पास कितना पंडित व श्लोक है आपके पास, लोग देखते हैं आप कैसे हृदय स्पर्श कर सकते हैं, तब आपको जीवन समर्पित करेंगे। तो इसलिए भक्त लोग ने बोला, घर के मुनि प्रभु ने बोला, भवन ब्रह्मानंद प्रभु बोला, हम लोग जब प्रभुपाद जी आ गया अमेरिका में, उनका भाषा हमको समझ में नहीं आता था, वो क्या बात कर रहे हैं, उच्चारण समझ में नहीं आता था, कई महीना तक हमको समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो हमारा सर्व परम श्रेष्ठ मित्र था, हमारा साथ बिल्कुल एकदम आराम करता था, पकाता था, भोजन खिलाता था हमको, हमारा दादाजी जैसा फर्स्ट क्लास मित्र हमारा था, हमको क्या कुछ पता नहीं था, इतना प्रेम प्रकट कर दिया। लेकिन जिसके पास प्रेम है ही नहीं, तो हम लोग वितरण का क्या कर सकते हैं, अपना आचरित जीवेरि सिखाओ। तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम फैला दिया, महावदनीय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, क्योंकि उनके पास था, इसलिए तो वितरण कर सकता था, और वो भी चुराया, चोरी किया था। किसी ने बोला वो क्योंकि जो कौन सा चीज आसानी से वितरण किया जाता है, जो आपका नहीं है जो चोरी किया आप, हाँ ले लो सब आपका कृपा। एक गुरु जी आ गया शिष्य के पास आश्रम में, और शिष्य उनको खूब सेवा करने लगा, सुख पनीर सब्जी चौपन भोग रोज रोज खिलाते हैं। गुरु जी वाह क्या बात है, क्या बात है, सब आपका कृपा गुरु जी, सब आपका कृपा। और एक दो दिन एक महीना तो गुरु जी मैं और एक महीना बैठूँ, बैठे भाई जितना आपका इच्छा आपका कृपा, सब मेरे को क्या आपका कृपा, ठीक है। एक महीना के बाद गुरु जी की थोड़ा शर्म हो गया, भाई बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बहुत सारे सुविधा लेता हूँ, जाना पड़ेगा, चले गया। और जब अपना गुरु जी अपना आश्रम पहुँच गया, बैंक अकाउंट खोल दिया, वो जीरो है, सब आपका कृपा गुरु जी, आपका अकाउंट से मैं खिलाता हूँ, सब गुरु जी का कृपा से। इसलिए जब हमको कोई बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं हमको, तो आभारी हो जाते हैं ना, आभारी। चैतन्य महाप्रभु ये भगवान स्वयं है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य।
तो उनको पूरा संसार उनको सेवा करते हैं, है कि नहीं? जी मेरा स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, सब लोग छोटा मोटा चिड़िया टोटा सब लोग उनको सेवा करते हैं, सारे हर जीव संसार में भगवान को सेवा करते हैं। तो भगवान को थोड़ा सा भार क्या, ऋण बन जाते हैं नेचुरली, स्वाभाविक रूप में जो है आप थोड़ा कुछ उत्तर देना चाहते हैं, भाई सेवा करते 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 कुछ ना कुछ तो कृपा प्रदान करना पड़ेगा, टू वे ट्रैफिक होता है ना। तो भगवान चलो बहुत ऋण हो गया मेरा, बहुत सारे सेवा कर लिया, चलो ठीक है मेरे भी तो ऋण करता हूँ अपना तरफ से जो है मैं उनको। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं बदला लेने के लिए, वापस कृपा देने के लिए, और वो भी अपना नहीं है राधारानी का, राधारानी से बिल्कुल एकदम प्लंडरिंग, क्या बोलते हैं हिंदी में प्लंडरिंग, लूट लिया। हम लोग जैसे सुनते हैं कहानी, मैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में तैयारी कर रहा हूँ, क्यों आया इधर, उनके कई कारण होता है, आप सुना भी होगा अभी कथा हो गया आपका चैतन्य, उनको खुद को स्वाद करना है जो उनके पास नहीं है। भगवान के पास वो कृष्ण प्रेम नहीं है जो भक्तों के पास है, और सबसे श्रेष्ठ राधारानी उनका भक्त, और बाद में उसी प्रेम को वितरण करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन कैसे आते हैं, एक एक भक्त को भूलते नहीं, चाहे कलवेश श्रीधर, चाहे हरिदास ठाकुर, चाहे श्रीवास ठाकुर, चाहे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी, उनके गुण गान करते अपना भक्तों के लिए। एक व्यक्ति के साथ जो है सारे चैतन्य चरितामृत लीला अमृत, और अमृत का मतलब क्या, आसानी से खा जाता है, आनंद देते हैं, आनंद आम्बुदि वर्धनम, और उसको कोई मुश्किल नहीं है पीने का, राम जी का छीरे राम जी का खेत, खूब खाओ छीरे बरबर के पेट, दवा के खाइए। लेकिन प्रॉब्लम यह है लोग खाना नहीं चाहते हैं। भया द्वितीय अभिनिवेश तस्य विपर्ययो स्मृति ही, क्योंकि सब संसार भगवान से विपरीत हो गया, इसलिए अंधेरे में पारा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण सूर्य समान, जब सूर्य आएगा तो अंधेरा कहाँ होगा, तो चैतन्य चंद्र आ जाते हैं कृष्ण स्वयं। ग्रीक भाषा में मैं गुरुदास का कहानी जरूर बताऊंगा, मैं उनको कार पार्किंग में रख लेता हूं, क्योंकि मैं चले जाऊंगा वो प्रभुपाद अग्रवा महोत्सव हो जाएगा। मैं याद दिलवाना अंत में, मैं आपको बताऊंगा जरूरी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, प्रेम का संबंध भक्तों के साथ कैसे होता है ना, और क्या प्रभुपाद जी चाहता था हमसे प्रीतिपूर्वकम, मेरे को ये हमको उदाहरण दिया जाएगा, अंत में बताएंगे। ग्रीक भाषा में मनुष्य का अर्थ है वो जो आकाश में देखते हैं, somebody who is looking up, क्या बोलते हैं उसको ना, जो ऊपर देखते हैं, ग्रीक भाषा में ह्यूमन, ह्यूमन मतलब जो ऊपर देखते हैं, जो नीचे देखते हैं वो जानवर है। देखते हैं क्या क्या, खाना 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 खाना, आहार निद्रा भय मैथुन चा, लेकिन जो ऊपर देखते हैं वो ह्यूमन है, मनुष्य है। और हमारा आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कई प्रकार की चेतना होता है, चैतन्य चरितामृता, हम कौन सा चेतन के बारे में कृष्ण भावना में कौन सा चेतन स्थापना करना चाहिए, जो हम लोग चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव समझ सकते हैं, और भगवान का जन्म लीला कर्म समझने के बाद हमको फिर इस संसार में नहीं आना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी महामति अर्जुन है। अर्जुन जो मेरा जन्म कर्म समझ गया उनको फिर संसार में आना ही नहीं जरूरत होगा, खतरनाक संसार। और हमको ये भगवान के चरण चाहिए, समाश्रिता, ये पद पल्लव अप्लवम प्रभुपाद जी बताते हैं, ये नौके की तरह जैसे हमको बैठना चाहिए उसी जो हमको पार करेगा, मत प्रसाद तरीशी हमको पार करेगा। इसलिए वो गुणगान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी का जो है लीला समझना जरूरी है। लेकिन कैसे समझेंगे हम कौन सा चेतना चाहिए, हम लोग बताते हैं मन पैराशूट जैसे, जब तक खुला नहीं है तब तक कुछ हम लोग केवल दिखावा होगा। तो कई पांच प्रकार की चेतना होता है, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। पहला स्थिति जो चेतना का होता है या आच्छादित चेतना, आच्छादित मतलब जैसे लकड़ी में जो है वास्तु कोई
आनु या तो कोई वास्तु हैं जो उसके चेतना बिल्कुल बंद किया गया है, उसको समझ में नहीं है, लकड़ी पेड़ जैसा। हमारा देश में बोलते हैं एक पेड़ का नाम दूब बोलते हैं, दूब जो बिल्कुल एकदम मोटा मोटा बिल्कुल, तो बोलते हैं जो व्यक्ति अगर मूर्ग है उसको बोलते तुम दूब, पेड़ जैसा, दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि चेतना प्रकार बिल्कुल नहीं है आपके पास रोशनी। इसी प्रकार दूसरा स्थिति संकुचित चेतना, संकुचित चेतना मतलब थोड़ा सा धीमी धीमी दिखाई देते जानवर जैसा, थोड़ा सा दिखाई देते हैं, कभी कभी कुत्ता उनको रोटी दे दिया, हाँ सत्य है, वो रोटी दे दिया तो कहता समझते हैं अपना मालिक को, मालिक कौन है, थोड़ा सा तो उनको धीमी धीमी फर्क आ जाते हैं। और बाद में जो है मनुष्य का स्थिति आते हैं, मनुष्य के पास तीन प्रकार की चेतना होता है, वो जानवर जो है आच्छादित और संकुचिता, ये तो केवल जस जरावास्तु और जानवर के पास होता है, लेकिन मनुष्य के पास होता है, उसको कहते हैं पहला ये मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना मतलब जैसा फूल होता है ना, उसमें क्या उसको बोलते हैं बड, बड क्या बोलते हैं हिंदी में, कली, कली, हाँ तो उसको जो फूल अभी तक जो है विकास नहीं हुआ, मतलब प्रकाश नहीं हुआ, उसी रूप में जो है हाँ मुकुलित चेतना बंद हुआ। और ऐसा लोगों के लिए 99% लोग इसी चेतना में मुकुलित चेतना में है। ऐसे लोगों के लिए विकास करने के लिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, उनको कोई दंड चाहिए, संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा, तब हो जाएगा ठंडा, जब यमराज मरेगा डंडा तब विकास हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा दंड देना पड़ता है, पूरा संसार इसी चेतना में है। बाद में जो है होता है विकासित चेतना, ऐसा लोग जो है जिसके पास कुछ धन संपत्ति चाहिए, पुत्रम दिही रूपम दिही ज्ञानम दिही, मंदिर में आते हैं लेकिन उस कुछ नीडी, हाँ चार प्रकार के लोग भगवान बताते हैं सात अध्याय में, हाँ अर्थार्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी छ भरत सभा। कुछ लोग विकासित चेतना है, भगवान के पास आते हैं फिर भी उनके पास कुछ अपना अपना इच्छा है, लेकिन पूर्ण विकासित चेतना, पूर्ण विकासित चेतना, संपूर्ण विकासित चेतना जो भगवान के प्रति जो है प्रेम, अहितु के प्रति हता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, इसी चेतना को जो है जानवर के लिए भी देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गया। जिस चेतना को प्राप्त करने के लिए कहीं जन जन्मंत ये शतु अंतकता पापम जनानम पुण्य कर्मनम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते मम दृढ़व्रता, जो मेरे को ये भजन करते कौन जन जन्मंतर पुण्य चाहिए आपको, तब यहाँ स्थिति पहुँच सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शॉर्टकट में देते हैं, इसलिए आते हैं दया के कारण, पतित पावन हेतु तवा अवतारा, हाँ वो उनको पूरा कृपा देने देते हैं। लेकिन जब तक हमको मालूम नहीं होगा हम लोग वो आ गया, हमको स्वागत किया जाता है उसी घर में, स्वागत किया जाता है कहाँ कहाँ, प्रेम से जो है प्रत्येक कदम भी नज है, प्रत्येक शब्द ये गाना है, वैकुंठ तद्धाम परमम मम। लेकिन लोगों के पास अभी समय नहीं है, अभी जीना है जीना है, इस संसार में रहते हैं, उनके जाने के लिए इच्छा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है हाँ पूरा अंधेरे से निकालने के लिए भक्तों को भेज देते हैं और कूद जाते हैं। तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को भी भेज दिया, सारा लीला हो गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे अवतार ले लिया, अवतार ले लिया चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, लेकिन इस युग में गुप्त अवतार बताया गया है ना। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गया उनको सब लोग नहीं जानते हैं। आप देखिए हम लोग देखते हैं भारत में, संपूर्ण भारत में जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, अभी तो ज्यादा हो रहा है इस्कॉन के कारण, लेकिन बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं। हम लोग जाइए नेपाल में, नेपाल में चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, कौन चैतन्य महाप्रभु है, कोई लड़का कोई बालक था कोई मतलब पंडित जी था, ऐसे बोलते हैं लोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ये गुप्त अवतार ऐसा हमको दिया जाता है, संपत्ति जिस संपत्ति के लोग मर रहे थे हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे अभी फ्री में मिलता है, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों के साथ आ गया, और जब चैतन्य महाप्रभु आ गया वो केवल
ये परम रस स्वाद करने के लिए आ गया। जब चैतन्य महाप्रभु च्युत बालक रूप में, मैं संपूर्ण लीला नहीं बताऊंगा, मैं कल 2-3 लीला बताऊंगा आपको जिससे शिक्षा मिलता है। उसी लीला द्वारा चैतन्य महाप्रभु आकर्षण करते हैं भक्तों को, और सारे जीव जो इसी संसार में फंसा हुआ है वो आकर्षित हो जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु चौथा पंडित था, हम लोग जानते हैं निमाय पंडित, इतना गमंडित प्रकाश करता था ना, वो गमंडित था, वो अहंकारिक था, अहंकारिक नहीं मतलब सबको पराजित करता था, कोई भी उनके पास आता था जीवित नहीं जा सकता था। आध्यात्मिक दृष्टि सिद्धांत दृष्टि से सब लोग जो आता था उनको निमाय पंडित, उसको टुकड़ा टुकड़ा मकरोनी बनाता था, ये बताओ सिद्धांत स्थापना किया था और उसके बाद नष्ट करता, अपना अपना वाक्य जो है नष्ट करता था, बाद में फिर स्थापना करता था। कोई भी पंडित जी आता था और निमाय पंडित बोलता था ये सिद्धांत का वाक्य सही है कि नहीं, मैं उसको सीधा कर दीजिए, मैं जो वाक्य देता हूँ बोल दीजिए उसमें कोई दोष और कोई गलती देख लीजिए, ये सही है कि नहीं, बोलता ये तो सही है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलता था ये सही नहीं है, मैं आपको प्रमाण देता हूँ, और शास्त्र प्रमाण दे करके अपना वाक्य जो सही बोला उसको पूरा अपने आप को पराजित करता था। अब देखिए अभी सही नहीं है, और जो सही नहीं है वाक्य उसको फिर सही बता स्थापना कीजिए जो ये सही है। ये तो कैसे संभव हो सकते हैं, कमजोर है क्या? तो मैं फिर समझता और अपने आप को फिर इसी वाक्य को फिर सही स्थापना करता था, ये सही है देखिए, और फिर उसको फिर गलत स्थापना कीजिए, बिल्कुल पराजित कर दीजिए इसी वाक्य को। तो पंडित जी को कुछ मतलब भाग जाता था, सब लोग संभाव ही नहीं है उनके साथ तर्क करने का। व्याकरण टीचर था और अपना शिष्य के साथ यमुना गाने के किनारे बैठा था, तो केशव कश्मीरी पहुंच रहे हैं, और वास्तव में उस समय नवद्वीप इतना स्थान था पंडितों का स्थान, सारे विद्या जितना था सब नवद्वीप में था, और सब लोग पढ़ाई करता था और तर्क वितर्क करता था, तर्क वितर्क, चक्रवर्ती सारे पंडित लोग ब्राह्मण लोग। चैतन्य महाप्रभु का स्कूल था, तो केशव कश्मीरी ने सोचा अगर मैं इसी निमाय पंडित को पराजित कर दूंगा तो मेरा नाम सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। जब केशव कश्मीर आ गया तो चैतन्य महाप्रभु, हम लोग जानते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ने बोला पंडित जी कहाँ से रहने वाले? मैं केशव कश्मीर हूँ, कश्मीरी हूँ। आप कौन हैं? मैं निमाय पंडित जी। हाँ आप ये बोला गया, आप ही है ना? तो बोला हाँ हाँ। तो उनके पास चर्चा हो गया और बोला आप गंगा जी को प्रशंसा कीजिए। तो केशव कश्मीरी पूरा 100 श्लोक बना दिया गंगा जी को प्रशंसा करने के लिए, संस्कृत में तूफान जैसा, सब लोग आश्चर्यचकित हो गया, वाह तूफान जैसा प्रशंसा किया था, सब लोग मुंह खोल करके देख रहे थे, इतना संभव ही नहीं है कैसे तत्काल तुरंत, as they say in English, shooting from the hip, bam, तुरंत तैयारी नहीं किया, इतना सुंदर प्रशंसा किया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है अच्छा है, लेकिन मैं एक श्लोक का जो बीच में श्लोक है, मैं एक श्लोक इसी पूरा कविता से जो है एक श्लोक ले लिया बीच से, और बोला इसी श्लोक में 10 गलतियाँ और 10 अलंकार दिख लीजिए, सुंदरता भी और गलती भी दिखा दीजिए मेरे को, अपना कविता में त्रुज दोष देखिए, गलती है और उसी गलती को समझा दीजिए। बोला क्या मेरा वाक्य में जो है कोई गलती है ही नहीं, हो ही नहीं सकते हैं, अगर पंडित जी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं करूं, मैं और उनको पता नहीं था निमाय पंडित है कौन, उनको कोई पराजित कोई नहीं कर सकता था, और हो तो मैं जब पढ़ता था चैतन्य चरितामृत मेरा भी थोड़ा और चक्र आ गया, क्या क्या उसमें सारे इतना वाक्य बता रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो एक श्लोक जरूर याद है, वो गंगा जी को जो है क्या भवानी बारतुर बोल दिए ना जो मतलब पार्वती के पास और कोई दूसरा श्रीमान है क्या, मतलब उसी टेक्निकली बोलते ओ भवानी बारतुर जिसको वो दूसरा श्रीमान है, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, तो उसको दिखा दिया। हम लोग राशि में बोलते हैं डोंट ब्लेम योर फेस
I mean, don't blame the mirror if you have ugly face. हाँ, शिष्य को गाली मत देना जब आपका मुख तेरा है. तो इसी प्रकार जो है वो किसको गाली देंगे, अपना गलती है. नेपाली में बोलते हैं ना, धोखा पैस मांगली अपना धंगली. अपना गलती से जो है किसी को गाली देना किसको गलती, अपना गलती है. तो जब चैतन्य महाप्रभु अपना आईना दिखा दिया उनको, अपना मुख देखिए ये आपका मुख है, ये गलती है आपका, तब क्या चुप हो गया. और उनके बोले मुख से कोई एक शब्द भी नहीं निकल पाया. तब उन्होंने सोचा भाई सरस्वती देवी मैं बहुत तपस्या किया था, कमस्त स्तर हीरा ज्ञानम अन्य देवता, हमें तपस्या किया था लेकिन अभी सरस्वती चुप हो गया, मैं मुख भी खोल नहीं रहा. और सब लोग हंसने लगा. तो सब चैतन्य महाप्रभु बोला चुप, पंडित जी थक गया होगा, रास्ता लंबा था इसलिए थक गया, उनको आराम करने दीजिए, कल फिर तर्क करेंगे. पंडित जी बिल्कुल नीला पीला लाल वाला हो गया, ऐसे चुपके चले गए. उनको छोटा बालक पराजित कर दिया और उनके शिष्य के सामने, लेकिन आदर के साथ, उनको अहंकार तोड़ा नहीं. क्योंकि अगर अहंकार तोड़ देंगे तो मर जाएगा तत्काल. क्योंकि जिसके पास बड़ा अहंकार होता है ना, जिसके पास बड़ा अहंकार होता है, जब उनको जो उनको चाहिए नहीं मिलता है, उस तत्क्षण जो है उनके पास तीरा लगता है. मेरे लिए नहीं मिला, मैं कौन हूँ, जानते हैं तुम कौन, अहंकार होता है ना. हम लोग कुंभ मेला में कई बार देखा जो नागा बाबा खड़ा है, ओम महामंडलेश्वर 108 100,000 808 पद महामंडलेश्वर अखाड़ा पागल बाबा. तो मैं बोला कि पागल तो शुरू में ही लिखना चाहिए, पागल. बहुत अहंकारिक होता है, उसको स्पर्श करने से गुस्सा हो जाता है, गर्म हो जाता है. इसलिए भगवान कहते हैं जिसका दिमाग चंचल है उसको परेशान मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको. डोंट एजिटेट माइंड ऑफ इग्नोरेंट पीपल. हाँ, इसी प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल क्या करेंगे, अहंकार ये एक बीमार है. जिसके पास अहंकार अभिमुदात्मा करता हम इति मन्यते, ये अहंकार देखिए प्राइड अहंकार अगम. जिसके पास अहंकार है उनको कोई विद्या ज्ञान प्राप्त है ही नहीं. वास्तव में भगवान गीता में कहते हैं अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसक चर्चा. अमानित्वम विनम्रता, अदम्बित्वम दम्ब नहीं होने, दम्ब अहंकार प्राइड. हमारे पास 64 लक्षण अहंकार के 64 लक्षण है. किसको चाहिए मैं आपको दे दूंगा, आश्चर्य की बात. ये मेरा नहीं, शास्त्र के बाद महाभारत में मैं ढूंढ लिया. 64 लक्षण जो है अहंकार का, सिम्टम्स ऑफ प्राइड, यू विल बी सरप्राइज्ड. टू सी ऑफ्टन इन द मिरर इज अ सिम्टम ऑफ प्राइड, वन ऑफ देम. एक बहुत सारे अहंकार के लक्षण है, मतलब प्राइड प्राइड. तो चेकअप करना पड़ता है. तो केशव कश्मीरी समझ लीजिए 64 लक्षण था ही तुरंत. तो चैतन्य महाप्रभु जाना बीमार है, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक सीधा करना है, प्रेम से कर दिया उसको. तो वो गया था और हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा उदाहरण देता हूँ. एक बार ढक्कन था, जो भक्त लोग हैं नहीं सुना ये कहानी. एक बोतल था, बोतल और एक ढक्कन था. जब ढक्कन ने एक बार पूछा बोतल दाई आप सबके लिए पानी देते हैं, मेरे को तो एक भी बूंद भी नहीं दिया क्या, मैं तो आपका लाइफ मेंबर हूँ, सदस्य, परिवार का सदस्य हूँ, मुझसे नज़दीक तो कोई है ही नहीं, मैं आपको ऊपर से मैं बैठा हूँ आपके साथ, मेरे को क्यों पानी नहीं देते हैं. तो बोतल ने कहा देखो ढक्कन भाई, यो ढक्कन का नंबर जो है लाइफ मेंबरशिप नंबर ऐसा फलाना 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 है. कभी कभी लोग बोलते हैं मैं महादनवीर हूँ, 10 रुपया दे दिया पेटी में, मेरा नाम चाहिए महादनवीर. अहंकार नहीं होना चाहिए. तो ढक्कन भाई, सब लोग जो मेरे पास आते हैं, बोतल ने बोला, वो तो नीचे से आते हैं, मैं देता हूँ, आप तो ऊपर बैठ गए, मैं कैसे दे दूंगा, वो मुश्किल है देना, मैं चाहता हूँ देने के लिए लेकिन आप ऊपर बैठ रहे हैं तो आपको नीचे आना चाहिए, नीचे. हिंदी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू स्टैंड अंडर, अंडर स्टैंड नॉट अप स्टैंड, अंडर सुरेंडर सिर अंडर. तो इसी प्रकार जो है वो चैतन्य महाप्रभु अगर चाहे भी उनको प्रेम दिया जाए वो स्वीकार नहीं करेगा. गौतम बुद्ध भगवान एक बार बैठ रहे थे पेड़ के नीचे, एक बड़ा बड़ा राजा आ गया, हे साधु बाबा मेरे को ज्ञान चाहिए, बोला मेरा प्रश्न का उत्तर दो.
तो बुद्ध ने ऐसा देखा उसको और बोला, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, मैं बिजी हूँ। ओम माने परमा हूँ। तो गुस्सा हो गया, हट, कोई काम के आदमी नहीं, 24 घंटे पेड़ के नीचे बैठ रहे, समय नहीं है आपके पास? हाँ बिल्कुल, आपके लिए समय नहीं है। बोला तो उसका अहंकार बिल्कुल राजा गुस्सा हो गया, कैसे हैं आदमी हैं? तो बुड्ढा ने कहा, देखो हर व्यक्ति जो है ग्लास के बराबर होता है। एक ग्लास होता है, ऐसा ग्लास होता है जो आके जो है शुरू से ही उल्टा होता है, उल्टा कर दिया ना तो क्या देंगे उसमें, शुरू से आंख आ करके उल्टा कर दिया उसको। जैसे वैशेषिक का प्रभु बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में तीन बाधा हैं, तीन बाधा, थ्री ऑब्स्टिकल्स। कौन सा? आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ, मेरे पास गीता प्रेस का है, भगवद गीता पकड़ी तो लीजिए, मेरे पास है, मैं ये जानता हूँ। भारत में बहुत विशेष प्रॉब्लम है, मैं ये जानता हूँ। शुरू से ही बंद कर दिया आपने ताला, कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उल्टा कर दिया। दूसरा प्रकार के लोग हैं जो ग्लास हैं, ग्लास की तरह वो आते हैं, लेकिन उसी ग्लास में बहुत छेद है, छेद उसी ग्लास में भी देना बेकार है। मैं दे दूंगा दूध, निकलेगा तो फिर क्या फ़ायदा, दूध बर्बाद हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, असम संयम समग्र मम यत्वा यतचित श्रीनु, कोई शंका नहीं होना चाहिए, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। लेकिन कुछ लोग होता है ग्लास जैसा है, ठीक है सही रखा, चेट भी नहीं है, लेकिन आधा ग्लास गंदगी है, सारे इतना गंदा गंदा है, उसमें दूध देने से वो सर जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए आप राजा, आपके पास जो है आधा हार्ड ड्राइव गंदगी गंदगी है, उसको पहले साफ करना चाहिए, चित्तोदर्पण मार्जनम, तब मैं आपको समय दूंगा। तो केशव कश्मीरी जो है वो तो अहंकारिक था, चैतन्य महाप्रभु जानता था कैसे किया जाए। वो गया था अपना रूम में, नींद नहीं आता था उसको, थोड़ा सा नींद आ गया, सरस्वती देवी से प्रार्थना किया था, हे माता ये कैसे संभव हो गया जो आप मेरे को ज्ञान नहीं दिया तर्क करने के लिए, और मेरा मुख बंद हो गया, माता ये कैसे हो संभव है। तब सरस्वती देवी प्रकाद हो गया, और प्रकाद हो गया और बोला, हे वत्स, मैं जो आपके आशीर्वाद दे दिया, आज सबसे बड़ी कृपा हो गया आपके लिए, जिससे मैं ज्ञान लेता हूँ वो ही आपको पराजित कर दिया, वो मेरा मालिक है, मेरा वास्तव में श्रीमान है, परमेश्वर श्रीमान भगवान है, और जिससे मैं ज्ञान लेता हूँ वो ही आपको पराजित कर दिया स्वयं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद का ये सफल हो गया आज, जो आपको स्वयं भगवान पराजित कर दिया, इसलिए तुम कल सुबह जाओ चरण पकड़ लीजिए, समर्पित हो जाओ। अच्छा, तो फिर तुरंत विनम्र हो गया, उनका अपना इष्टदेव ने बोला, तो चैतन्य महाप्रभु के पास गया था, और चैतन्य महाप्रभु बोली लीला किया था, पंडित जी क्या हो रहा है, क्या स्पर्श किया, पंडित जी क्या हो रहा है, क्या कुछ मत बोले ना, मेरे को सरस्वती देवी सब बोल दिया, इसलिए मैं न तक मत करना, मैं सब कुछ मैं समझ गया, अभी बता मेरे को आशीर्वाद दीजिए प्रभु पतित पावन कृपया मेरे को तो आशीर्वाद दीजिए। तो विनम्र भाव से दंत खरी घासा दंडवत कर दिया, कहाँ कहाँ था हीरो, जीरो बन गया। हम लोग ये देखते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं जो ड्वार्फ, क्या बोलते हैं उसको ड्वार्फ हिंदी में, बोना बोना, हाँ बोना व्यक्ति जो है, हम लोग बोना जैसा, तो बोना को जो है चंद्रमा स्पर्श करना कैसे संभव ही नहीं है। कौन बोलते हैं स्वरूप, हाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो प्रधानमंत्री नवाब हुसैन शाह का था, इतना विनम्र, घास पकड़ के जो है मुख में घास पकड़ ले, लक्षण है विनम्रता का, लक्षण है दंडवत मरा, और उठना भी नहीं चाहता था। चैतन्य महाप्रभु कूट उठाए, उठो उठो मेरे को दुख रहे हैं हृदय, आपका विनम्रता देखकर उठो, तो उठाया। ये भी बहुत बड़ा शिक्षा है, मंदलपति इतना उनके पास पैसा था, 1-2 लाख नहीं था, सोने का सिक्का पूरा प्रधानमंत्री जैसा समझ लीजिए, वो बिल्कुल तुच्छ VIP बन गया, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। VIP का अर्थ बिल्कुल, अगर हम लोग को कहते हैं अगर आप एटम बम बन जाना चाहते हैं, पहले एटम हो जाओ, परमाणु हो जाओ, होना चाहिए एटम बम होने के पहले, तो एटम हो जाओ पहले ना,
और भगवान चैतन्य महाप्रभु जरूर अपना भक्तों को अहंकार पसंद नहीं करते, भक्तों में विनम्र बनाएंगे। तो केशव कश्मीरी विनम्र भाव से पहुंच गया और चैतन्य महाप्रभु ने बोला अपना घोड़ा पालकी जो है हाथी को छोड़ दीजिए, दान दीजिए दक्षिणा ब्राह्मण लोगों को, अपना परिक्रम का लेकर के बिहारी लाल दुकान में खरीद के प्रचार करते रहो। और वही ज्ञान जो है आप प्रचार करो ना पैदल पैदल अहंकार रहित। और चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगा, ये दवाएं हैं वास्तव में। और चैतन्य महाप्रभु देखिए बाद में, मैं इसलिए बताया कहानी, बाद में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया और बनारस में गया था, प्रकाशानंद सरस्वती से मिल गया और प्रकाशानंद सरस्वती के पास 60,000 शिष्य था, इतना पंडित लोग था, खतरनाक पंडित लोग था, सन्यासी लोग था, मायावादी था। और चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, थोड़ा 500 वर्ष पहले चले जाइए, इतना पक्का ऑर्थोडॉक्स के बोलते पक्का एकदम सिद्धांतिक पंडित लोग था। आजकल लोग जो है हम लोग भी नाचते हैं, लोग पंडित लोग देखते हैं, हम लोग प्रयाग में देखा हम लोग, आप लोग कीर्तन करते हैं और हमारा बलोघात है बलोघात, और कुछ घाट में जो है लोग आते हैं यात्री लोग मुंडन करके श्रद्धा करते हैं, तो स्वाहाने मंत्र करते हैं लेकिन तिलक कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, बोला हरे कृष्णा वाली हाँ मैं बहुत मंत्र, वो सब जब सोते हैं सब स्वप्न में भी संस्कृत में इतना बड़ा पंडित है लेकिन भक्ति है ही नहीं, श्रमाय वही केवलम, देवी काली भैरव ये दुर्गा ये बहुत सारे मूर्तियों को पूजा करते हैं लेकिन भगवान को छोड़ के। हम लोग चर्चा कल किया था नहीं है धर्म कर्म धर्माया न विरगाय कल्पते, नहीं तीर्थ सेवाया जीवन अपि मृत्यु ही सहा। जब तक हमारा कर्म जो है धर्म तक नहीं देते हैं हमको और उसी धर्म से हमको वैराग्य नहीं मिलता है और वैराग्य प्राप्त करने के बाद हमको भक्तों के लिए सेवा नहीं मिलता है, भक्ति सेवा नहीं मिलता है, ये सारे बेकार है। जीवन अपि मृत्यु ही सहा, जीवित है लेकिन मुर्दा जैसे व्यक्ति। इसी प्रकार जो वो लोग लेकिन नहीं जानते हैं, वो ज्ञानी लोग वैरागी ओम संस्कृत में बात करते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये कोई भावक सन्यासी 24 साल की लड़का नाचते रहते हैं, भावक लड़की जैसा नाच रहे थे, क्या सन्यास है क्या, गाली देता था उसको, हल्का समझता था चैतन्य महाप्रभु। तो एक बार चैतन्य बहुत सम्मेलन था, पूरा मीटिंग था उनका सन्यासियों का और चैतन्य महाप्रभु उसमें गए था और जहाँ जहाँ जूता रखा हुआ है चप्पल रखा हुआ है उसी चप्पल की जगह में स्थान में बैठ गया। और देखिए उनका चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण कैसे देता था वो शिक्षा, और खुद विनम्र भाव से जो चप्पल कहाँ कहाँ चप्पल था उधर बैठ गए लेकिन अपना जो ज्योति ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड का जो है ज्योति का स्रोत चैतन्य महाप्रभु ही है और अपना ज्योत अपना शक्ति प्रकट करने लगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं सन्यासी मायावादी लोग ओम ब्रह्म ज्योति से बहुत प्रसन्न प्रभावित हो जाता है, तो उनका ज्योत देख करके वाह ये कैसा सन्यासी है प्रभु, उनका ज्ञान से उनका कुछ से नहीं ज्योत बहुत हाँ। तो प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं उठ के बोला ये तो चमत्कारिक सन्यासी है आप, तो अद्भुत इतना ज्योत प्रकट कर दिया, उनकी ये ज्योति से ज्यादा प्रभावित होता है लेकिन भक्तों के लिए कैवल्यम नरक आयते, ये तो बिल्कुल नरक की तरह जैसे उनको ज्योत जरूरत नहीं है सीधी, हाँ क्या उसको कहते भुक्ति मुक्ति सीधी कामे सकले अशांत कृष्णा भक्त निष्काम अतएव अशांत, क्योंकि भक्तों की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत सारे उदाहरण देते चैतन्य महाप्रभु का भक्तों के चंद्रमा जैसा रसिकानंद, आप सुना था कहानी रसिकानंद हाँ उसको शीर तोता गोपीनाथ, आप जाइए देख लीजिए उनका समाधि भी है रसिकानंद। एक बार उसको दांत साफ करता था ना, सुना था होगा कहानी, दांत साफ करता था ऐसे नीम लगे टुकड़ा ले लिया, सुबह सुबह का समय था हाँ अपना अपना पूरा
नित्य क्रिया करता था उसको सुबह सुबह एक योगी आ गया, ओ ईर्ष्यालु बुरा नजर वाला तेरा मुख काला। बहुत सारे लोग आते हैं क्या मैं अपना शक्ति प्रदर्शनी कर दूंगा, और छोटा मोटा बड़ा इधर उड़ने लगा, इधर प्रकाश इधर अप्रकाश इधर प्रकाश इधर अप्रकाश होने लगा, और रसिकानंद कुछ मतलब प्रभावित नहीं हुआ। जैसे इतना पूरा जीवन तपस्या किया था ये प्रकाश अप्रकाश होने के लिए ना, लेकिन रसिकानंद प्रभु कुछ मतलब प्रकाश नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ उनको। और जब यह योगी थक गया पसीना आ गया मैं प्रकाश होता हूँ कोई तब रसिकानंद उसको दास कर दिया, उसी लकड़ी में बैठ गया, फुर्र उड़ते हुए चले गए। ये योगी आश्चर्यचकित हो गया, उसी लकड़ी में जो है बैठ के उर्र। एक भक्त था, एक व्यक्ति 20 साल जंगल में पानी के ऊपर लगी मस्जिद ही सीखा, लगी मस्जिद ही होता है पानी के ऊपर चलते हैं, और 20 साल के बाद आ गया और पानी के ऊपर चलने लगा। सारे गांव का लोग जो है ओहो पंडित जी तो भगवान है, पानी के ऊपर चलना ही भगवान हो गया, उसको पूरा दंडवत मारते हैं। लेकिन एक भक्त नाव जो नाव चलाता था पानी के चले गया, उसको दिखाई नहीं उनकी तरफ, तो गुस्सा हो गया, सब लोग मेरे को प्रणाम करते हैं तुम मेरे को प्रणाम भी नहीं करते हैं, बिल्कुल मेरी तरफ दिखते ही नहीं, क्या दिक्कत है, जो आप 20 साल सीखा मैं 20 रुपये के द्वारा 20 पैसा मैं आपको पार कर दूंगा, बैठिए नौका में बैठिए आराम से, जो है कोई टेंशन मत लो बैठिए, मैं आपको 20 पैसा में जो 20 साल खर्चा किया था मैं आपको 20 पैसा में पार करूंगा आपका समय बचाने के लिए। देखिए कोई अतएव संत भक्तों कोई भुक्ति मुक्ति सीधी कामी जरूरत नहीं है, वो समय बचा देते हैं भगवान के लिए, ठीक है। तो प्रकाशानंद सरस्वत प्रभावित हो गए इसी ज्योतिष से, तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए किया क्योंकि खुद आ गया और उनका हाथ पकड़ के आइए आइए हमारे बीच में आ जाइए कृपया आ जाइए हमारे साथ बीच में बैठिए, इतना सन्यासी आप जैसे चमत्कारिक इधर तो उचित स्थान बैठने का नहीं है, बिल्कुल आप उठ के आइए 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 आइए, उसको ले लिया और बैठा दिया। आप बता दीजिए सुनो बेटा आप एक काम करो, वो उम्र का आदमी था चैतन्य महाप्रभु लड़का था 24 साल का उम्र का, बोला आप सुनिए आप मेरे को बात सुनिए, आप भी जो है मायावाड़ी संन्यास से परंपरा से संन्यास ले लिया, आप तो इसी संन्यास धर्म जो है अपमान मत कीजिएगा, क्यों नाच रहे हैं आप जैसे भावक आदमी जैसा, आपको पता ही नहीं है कि आपको वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, ज्ञान वेदांता ओम दिन भर जो है सिद्धांत पढ़ना चाहिए, वेदांता पढ़ना चाहिए, आपको बाद में शिक्षा लेना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सुनते सुनते ईमानदार भाव से सुन रहे थे, और जब वो खत्म हो गया बोला बताइए क्यों नाच रहे हैं आप, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखिए मेरा गुरु महाराज ईश्वरपुरी उन्होंने बोला अमर गुरु अमर मूर्ख हो देखो खोरी ससान, मेरा गुरु मेरे को बोला मैं मूर्ख हूँ इसलिए तुम परमात बेकार है किसको निमाय पंडित जो सर्वश्रेष्ठ हाँ शिरोमणि पंडित था जो एक भी नहीं बचा केशव कश्मीरी वो भी बेचारा खत्म हो गया khatam.com भाग गया और वही निमाय पंडित जब ईश्वरपुरी आ गया नवद्वीप में कुछ साल पहले संन्यास के पहले, और उन्होंने कुछ किताब लिखा और एक बार निमाय को बोला निमाय दाराओ मैंने सुना तुम बहुत बड़ा पंडित है व्याकरण का, एक मेरा किताब है आप देख लीजिएगा उसमें कुछ गड़बड़ है उसको चेक कर दीजिए, उसको सीधा सही कर दीजिए कोई गलती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप भगवान का भक्त हैं और भगवान का भक्त अगर कोई अपूर्ण भी हो जाए वो सही है, क्योंकि ईमानदार भाव से जो भगवान को प्रशंसा किया जाता है वो सही ही है, चाहे छोटा मोटा क्यों त्रुटि क्यों ना हो कुछ त्रुटि है हो ही नहीं सकते है, सब सही है आप भक्त हैं इसलिए मैं क्या करूं उसको सीधा करने के लिए, ना 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 फिर भी आप सही बोल रहे हैं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा थोड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु गया था ईमानदार भाव से घर में बैठ के कुछ गलती देख लिया वो चेंज किया था एक गलती है, और दूसरा दिन आ गया ईश्वरपुरी से बात करने के लिए, बोला स्वामी जी इसमें मैंने एक कुछ गलती है व्याकरण के अनुसार उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद
निमाय चले गया और फिर दूसरा दिन जब आ गया ईश्वरपुरी ने कहा इधर आओ बालक, मैं परा ये वास्तव में जो आप गलती बोला गलती नहीं, ये सही है वास्तव में, इसलिए ये सही क्योंकि ये सही ऐसा है इसलिए सही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वीकार, आप सही बोला, मैं गलती हूँ, गलती किया, आप सही हैं। और अब चैतन्य महाप्रभु भक्त से अपना पराजित स्वीकार किया था, देखिए कितना सम्मान किया था, अपना भक्तों से पराजित किया था, मतलब पराजित स्वीकार किया था। और केशव कश्मीरी और कोई प्रकाशानंद सरस्वती उत्तर करने के लिए बोला आप सिद्धांत नहीं समझते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा गुरु बोला मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास कोई, इसलिए तुम ये मंत्र ले लो और जप करो तब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं मंत्र करने लगा और जब करने लगा मेरे पास कुछ रमंच कम पश्रु तरंग भाज, मेरे पास पूरा रमंच हो गया, पानी निकलने लगा आँख से, मैं पागल की तरह जैसा हो गया। तब मैं गुरु जी के पास गया था, बोला गुरुदेव ये मंत्र कौन सा ऐसा मंत्र है मेरे को पागल कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो गुरु ने हंसने लगा बोला बेटा अब बहुत भाग्यशाली है, अब सफल हो गया, वास्तव में ये पूरा संपूर्ण आपको संपत्ति मिल गया कृष्ण प्रेम का, इसलिए जाइए नाचो गाओ नाचो और प्रचार करो, इसलिए मैं प्रचार इसलिए मैं नाच रहा हूँ। लेकिन अगर वेदांत सूत्र के बात तर्क करना है हम लोग कर सकते हैं, बताइए क्या प्रश्न है। आहा फास्टन योर बेल्ट्स गौरंगा एयरलाइंस उड़ा देंगे ऐसे पता नहीं चलेगा। अगर सिद्धांत बात करना ही है तो तब ठीक ठीक बात करते हैं, वैसे ही किया था सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ भी ऐसे किया, सात दिन लगातार सुनते सुनते विनम्र भाव से, देखिए सिद्धांत का तो बहुत साफ है एकदम साफ है, लेकिन आपका जो तात्पर्य दे रहे हैं बिल्कुल बादल की तरह से बंद कर देते हैं। अच्छा बालक मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं ज़्यादा, अच्छा अच्छा हाँ मैं जानता हूँ। अब ओहो धुआं आ गया, आप तो स्वयं भगवान होंगे, कोई दूसरा ऐसा वाक्य नहीं कर सकते, और समर्पित हो गया। देखिए कैसे प्रचार किया था, एक गोली से 60,000 चेला एक प्रचार एक तरह किया था चैतन्य महाप्रभु, तुरंत सबको जो है प्रभावित करता था। इसलिए हम लोग एक श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है 11 स्कंद 5 अध्याय 34 श्लोक सद्भुज श्लोक, हम लोग उसको बोलते हैं सद्भुज श्लोक, जानते हैं एक श्लोक किसके पास वेद बेज है 11:5-34 चैतन्य महाप्रभु हमारा नवयोगेंद्र जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं महापुरुष के लिए, चैतन्य महाप्रभु का जो है प्रकाश है प्रशंसा है उसमें कृष्ण जी के लिए राम और चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्त्याज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगत अरण्यम मयम मृगम दैत यप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। उन्होंने क्या कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजा, त्यजा मीन्स त्याग करना, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुरेप्सित मतलब जो देवी देवता जो ईर्ष्य करते ऐसा उनके पास ऐश्वर्य लक्ष्मी था जो संपत्ति था और उनका जो श्रीमती लक्ष्मी विष्णु प्रिय था इतना त्याजा मीन्स त्यागना, दुस्त्यजा मीन्स बहुत मुश्किल, त्याग करना बहुत मुश्किल है, सुदुस्त्यजा मतलब सुपर मुश्किल था वो त्याग कर दिया। वो एक एक शब्द में एक प्रवचन दे सकते हैं, मतलब वैराग्य भी देनी जब भक्ति होगा। हम लोग बोलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया भगवद्गीता में हमको भगवद्गीता, लेकिन वो भगवान का काम खा घास सिखन उदाहरण देने के लिए नहीं हो, दे दिया लेकिन कैसे कैसे पालन करना सर्वधर्मान परित्यजा नहीं सिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गया भक्त रूप में हमको सिखाने के लिए, वैराग्य विद्य निज भक्ति होगा ठीक है। और सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, इन देवता लोग जो है ईर्ष्या करते हैं इतना ऐश्वर्य त्याग कर दिया राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। और धर्मिष्ठ आर्यवचसा, धर्मिष्ठ धर्म स्थापना करने के लिए,
पक्का धर्म। और गया था मायामृगम, मायामृग के पीछे पीछे दौड़ के जो है वो जंगल में गया था। कौन से जंगल में? हम तो जानते हैं रामचंद्र जो है वो मरीची था। हाँ, मृगा जानवर को भी बोलते हैं, जानवर जो पीछे पीछे जानवर के पीछे गया था वो जानवर भी बोलते हैं। जैसे भगवान जानवर के पीछे, जैसे गाय गाय पीछे पीछे पूंछ घुमाने के भगवान पीछे को जाता था। और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई माया मृगा जो पशु जैसा व्यक्ति, पशु दुराचार जो पशु व्यक्ति जैसा कलयुग जो है माया जंगल में गया था, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसी पशु जैसे व्यक्ति के पीछे जाते हैं और उनको जो है भक्ति देते हैं। ऐसा जो है महापुरुष के लिए वंदे महापुरुषति चरणारविंदम। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए अपना प्रेम वितरण करते हैं। और मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ, हमारे 10 बजे तक कब अब तैयार है क्या? हमारे पास भोजन तो खाना क्या समय नहीं है। हमारा रूस में देखिए मेरे को अनुभव है, क्योंकि भारत में लोग भगवान को बचपन से जानते हैं, है कि नहीं? बचपन से जानते हैं, कोई पूजा पिता माता करते हैं, गोपाल जी, कोई कृष्ण जी का नाम। सबसे बड़ा आश्चर्य मेरे लिए जो हमको 20 साल तक कृष्ण जी का नाम तो हम लोग सुना ही नहीं, जो आप लोग हाँ माया मृगा जो उसी जो है पशु जैसा व्यक्ति विदेश में, जैसे श्रील प्रभुपाद जी गए था लोगों के बाप, तो परा प्रभुपाद लीलामृता, कैसे लोग शराबी वो सब सारे हिप्पी लोग था। मैं अभी गया था न्यूयॉर्क में टॉम्पिन स्क्वायर पार्क में कुछ समय पहले, और उसी पेड़ के नीचे मैं बैठ गया अपना एक ऑडियन के साथ। मैं जब बैठ गया मैं सोचा मैं अनुभव करना चाहता था प्रभुपाद जी को जो है प्रतिनिधि, प्रभुपाद चंद्र गौर चंद्र प्रभुपाद चंद्र गुणगान। हाँ, वो जैसे भक्त लोग जैसे रोशनी देते हैं संसार के लिए भगवान का प्रतिनिधि होकर। और मैं सोचा मैं देखता हूँ कैसे प्रभुपाद जी का अनुभव था। उसी पार्क में गया था, उसी पेड़ के नीचे मैं बैठ गया, उसी जगह में जो प्रभुपाद जी, मैं फोटो देखा उसी पेड़ को ऐसे ऐसे देखा, हाँ इसी में इधर में बैठा था, मैं उसी जगह में बैठ गया। अनुभव का यम स्वा अनुभव, अपना अनुभव कैसे प्रभुपाद जी को हुआ। और इतना पार्क खतरनाक है, हिप्पी लोग इधर सोते हैं, बहुत सारे कुर्सी हैं, इसमें कुर्सी हैं, वो लड़की लड़का पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बताना नहीं चाहता हूँ आपको। और उसमें एक आदमी बैठ रहे हैं, उसमें दो बड़ा बड़ा कुत्ता था, वो उनको अलीगढ़ करके ऐसा कुत्ता के साथ। और मेरे सामने तीसरा बेंच था, उसमें आदमी बड़ा बड़ा टेप रिकॉर्डर लगा दिया, हिप्पी लोग इतना इतना पका हिप्पी, तो तीनों बैठा था और मैं अकेले था, मैं अकेली पेड़ के नीचे बैठ गया। वो सो लोग पागल है, मैं भी पागल हूँ क्या? एक तरफ से पागल और कोई मतलब नहीं है, सब अपना पागलपन अलग अलग रूप में प्रकट कर देते हैं, कोई ऐसा। हाँ, मेरे पास में प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो लोग कहते हैं हम लोग पागल हैं, हम लोग बोलते हैं वो लोग पागल है, वो कौन पागल है? वो लोग बोलते हैं हम लोग पागल है। मैं तो आपको बताया ना इधर भी आ गया, मेरा मम्मी भी मेरे को पागल समझ गया। 30 साल पहले मम्मी बोला मेरे तुम पागल है पक्का, ये क्या एंटीना बना दिया, ये पजामा लगा दिया, ये पक्का पागल है कि नहीं? और नाच रहे थे, हम लोग भी नाच रहे थे, हमारे सिटी में जो है मेरा सब लोग जानता था, मैं आर्मी ऑफिसर था, और बाद में निकाल के एंटीना बन के नाच रहे थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती तो आराम कर सकते हैं, वो तो कुछ नहीं है आजकल लोगों के सामने, इतना गाली देते हैं तुम्हें, मेरे को कभी कभी रोना पड़ता था भाई, इतना गाली देता था मेरे को। तो हम लोग नाचता था, ऐसे नाचता था। तो एक बार पिताजी ऑफिस से आ रहे थे और मेरे को देखा, भागने लगा, बाप रे मेरा पुत्र नहीं है, भागने लगा। और मैं उनको देख करके, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, वो देख करके भाग रहे थे। मैं उनको, हे पिताजी रुकिए, साधारण आदमी कौन नाच रहे हैं, है कि नहीं? अब देखिए आज मैं सोचा आज, हाँ रुक्मिणी जी प्रभु कीर्तन गया, गौरंग गौरंग गौरंग, ये कम्बा हिल रहे थे मैंने देखा पीछे से, बाप बाप। मैं सोचा 4:45 सुबह। आप लोग बताइए दिल्ली में कौन है इस्कॉन मंदिर छोड़ के,
ऐसा कोई डिस्को क्लब है जो लोग 4:30 बजे से डिस्को क्लब करते हैं ऐसा? देखें लोगों को जो है ऐसा डिस्को क्लब करने के लिए 12 बजे 1 बजे रात तक सारा पी करके तब जबरदस्ती नाचते हैं कि उसको आनंद का माना जाता है ना, एक बोतल पानी पी करके ऐसा लेकर के अब कैसा है फाइन ऐसा घूमते हैं ना। हाँ आजकल दिल्ली में जो है हो गया भाषा ऐसा हो गया ना, इंग्लिश जो है ये ड्रिंकेबल वाटर और हिंदी में बोलते हैं पीने का पानी, और आज फैशन हो गया दिल्ली में ना ये पीनेबल पानी, पीनेबल पीने का नहीं ड्रिंकेबल नहीं पीनेबल फैशन है, इसको आधुनिक आधुनिक ऐसा माना जाता है, इंग्लिश जानते हैं आदमी पीनेबल इंग्लिश भाषा बेवकूफ है। और जाते बड़ा बड़ा होटल में जाते हैं, रियली बता रहा हूँ आपको, एक मैं एक हमारा दोस्त बुलाया और शादी था और लड़कियों के इतना साड़ी लगा दिया सोने का साड़ी लगा दिया तो उसको चलने के लिए 3-4 आदमी जरूरत था पकड़ने, उसको ग्लैडिएटर यू नो ग्लैडिएटर उसको एक भाला चाहिए था और तलवार और दहल पूरा लोहे का ऐसा, क्योंकि प्रदर्शनी करना हम लोग परिवार कितना धानी है, देखिए सोने का साड़ी, सोने का साड़ी क्या जरूरत है, उसी साड़ी से हम लोग मंदिर भी क्या रोहिणी मंदिर बना सकते हैं लेकिन ये उचित नहीं है, तो इसीलिए जो है क्या बोलता था, हाँ पागल सड़क में नाच रहे हो तुम, लेकिन लोग रात में दारू पी करके नाच रहे हैं, और भक्त लोग जो है सुबह सुबह से जो है बिना एकदम फ्रेश स्नान करके ठंडा पानी से माघ महीना में पक्का पागल है, और लोग सोचते हैं ये क्या चीज है जो आपको प्राप्त मिल गया जो आपको रात में जो है जागरण करते हैं, और 3 बजे भी कुछ भक्त लोग भी मंगल आरती के पहले 16 माला खत्म कर देते हैं, 2 बजे रात को जो है वो क्या चीज आपको उड़ा देते हैं। हम लोग इधर ट्रेन में गए था, इधर आ गया 8 बजे तक सब लोग सोते हैं, पता नहीं हमको अजीब लगा भाई कैसे, और इतना बुरा तरीके से सोते हैं उनको, और सुबह सुबह जब जगे तब सवेरा 11 बजे उठ गया सूर्य बिल्कुल एकदम बीच में, ऑलरेडी संध्या हो गया दिन का, कॉफी पी करके और आग भी नहीं खोला, आग नहीं खोला आग बंद कर दिया और चाय डाल दिया उसने, इतना गंदा स्नान भी नहीं किया, दांत भी साफ नहीं किया बताइए, और भक्त लोग पागल है, कौन पागल है तब जो है आप जानते हैं पिछले बार हम लोग आया इधर, मम्मी का कैंसर हो गया 1 साल पहले, तो मैं बोला मम्मी ऐसा छोड़ दीजिए वो क्रिश्चियन है ये हरे कृष्णा हरे रामा क्या है, बोला मम्मी कौन पागल है देखा जाएगा अभी आप आइए, तो इधर जब आ गया मैं पंजाबी बाग में मम्मी को ले लिया, इतना पागल की तरह से हो गया मम्मी नचने लगा, बोला तो आप बताइए पंजाबी बाग में भगवान नहीं है कौन बताएगा, जरूर इधर आकर के मंदिर में दर्शन करने के बाद राधिका रावण नचने लगा क्यों हो गया, तब मैं सोचा बाह भाई मम्मी आप भी तो नच रहे हैं ना, मैं आपकी तरह जैसे पागली हो गया अभी देखिए ये चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है, दर्शन पवित्र को रही तुम्हारा गुण, चाहे भक्त गान चंद्र की तरह जो है सबको शीतल बना देते हैं और हमारा कवाग्नि क्रोधाग्नि ठंडा कर देते हैं, और मैं जानता हूँ मेरा मम्मी घर से भगा दिया पागल पागल सोच के, और अभी बोला नहीं बेटा, मैं सोचा मेरा बेटा मर गया ऐसा सोचा मैंने, इसलिए सारे संपत्ति मैं अपना भाई के लिए दे दिया, मैं सोचा मैं कैंसर हो गया मैं मर जाऊँगा बस पूरा संपत्ति घर फार्म गाड़ी सब कुछ जितना हमारे पास संपत्ति है मैं उनका नाम पे डाल दिया, क्योंकि मैं सोचा ये साधु बाबा मर गया मेरे 0 शून्य हो गया मेरा पुत्र जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र मर गया जरा साधु होकर, लेकिन तो मैं इधर आके सोचा मैं आपको नहीं बताया वो बाल में बताया मेरे को पता है मेरे को अभी समझ गया मैंने मेरा पुत्र फिर जन्म हो गया मेरे लिए फिर जन्म हो गया मेरा पुत्र का, और केवल नहीं
मेरे पास केवल एक पुत्र नहीं, बहुत सारे पुत्र और पुत्री है मेरे पास। और नचने लगा, साड़ी लगा दिया, तिलक लगा दिया। और बाद में अंत में जब हम लोग जा रहे थे, मैंने बोला छोड़ो मैं आपको घर में छोड़ दूंगा रशिया में। और जब आ गया रशिया में, पिताजी देखने लगे बुरी की पागल हो गई, क्या हो गया तुमको, जैसे संग वैसे रंग, बोला पागली हो गई क्या हो गया तुमको। अब मैं हंसने लगा, पप्पा चिंता ना करो आपका नंबर भी आ रहे हैं। तो हम लोग भी हम बोलते हैं, अभी मम्मी जब मेरे को देखते हैं, जब हम लोग स्काइप में बात करते हैं, खोल देते हैं, अभी कुछ टेड टॉक भी दे दिया उसको जयपुर में, तब उसको हम लोग कीर्तन किया था हरे कृष्ण महामंत्र, तब मेरा मम्मी जब देखते हैं हरे कृष्ण तुरंत कृष्ण नाम लेते हैं। मेरे साथ जब हरे कृष्ण बोलते हैं, मेरे कभी कभी आंसू निकालते हैं आँख से, भाई बाप रे बाप, बताओ बताओ अगर भगवान का कृपा ना हो तो ऐसा बिल्कुल नस्तिक स्त्री को परिवर्तन कोई कौन करेगा, भगवान को विश्वास नहीं था, घर से भगा दे, भगवान भगवान कहाँ भगवान है आपका। लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, इसी मुकुलित चेतना से जो है पूर्ण विकासित चेतना कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के साथ संपर्क में केवल होने से ही प्रकट हो जाता है। और दूसरा योगियों को जो है पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानम सुप्यस्त यत् प्रपदसीम अविचिन्त्य तत्वे गोविंद मारी पुरुषम तमहम भजामि। जो लोगों को तपस्या तपस्या करने हुए करते हुए मन के स्पीड से जो दिमाग से उड़ते 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 भगवान के चरण पहुंच नहीं पा रहे हैं, और इधर भक्तों का कृपा से जो है बिल्कुल एक क्षण तत्क्षण एक क्षण में हो जाता है, प्रकट हो जाता है। देखिए ये कृपा है, उसको कृपा बोलते हैं। और ऐसा उदाहरण बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास समय तो, मैं चैतन्य महाप्रभु प्रभु के बारे में बहुत सारे कहानियां हैं। जैसे एक चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, मैं एक कहानी सुनाऊं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया, मैं इधर उधर थोड़ा सा ऐसा खिचड़ी बनाता हूँ, लेकिन वो कुछ एक शिक्षाएं के लिए शिक्षा आप समझेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन जा रहे थे और संन्यास लेकर के घूम रहे थे, वो तो बाद में कुनिया गांव ना, वो पहले गया था उन्होंने विद्या विचारपति के घर में, विद्या विचारपति। विद्या विचारपति वो गया था संन्यास वेश में, और किसी को पता नहीं, सोचा मैं एकांत में होना चाहता हूँ, मैं एकदम चुप की पहुँच गया उनके घर में। वो पूजा कर रहे थे और जब देखा निमाया आ गया संन्यास लेने के बाद, वो बहुत बड़ा हल्ला हल्ला लीला था, जैसे वो कत्वा गया था उसमें पूरा बाल काट कर दिया, सब लोग हल्ला हल्ला बोले पागल है, इतना सुंदर सुंदर केस ये कैसे काट कर रहे हैं, और ये सन्यासी कैसे सन्यासी हैं। बहुत गुस्से में था लेकिन रोना लगा चैतन्य महाप्रभु, सन्यास धर्मिष्ठ था, धर्मस्था अपने सन्यास पालन। लेकिन बाद में उन्होंने वृंदावन जाने लगा, विद्या विचारपति के घर में आ गया और बोला मैं अकेली रहना थोड़ा सा कुछ है, आपके साथ रहूँगा। बहुत खुशी हो गया, प्रार्थना स्तुति किया, लेकिन लोगों को पता चला गौरांग महाप्रभु बहुत साल के 5 साल के बाद जो है लगभग वो वापस लौट गया नवद्वीप में। आहा सब लोग जो है दौड़ के लगा दर्शन करने के लिए चाहता था। और उसमें लिखा है हम लोग पुस्तक चैतन्य भागवतम में जो है, इतना उत्साह था उनके पास चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के लिए, तो जैसे तैसे पहुँच गया, पेड़ में बैठ गया, नदी पार किया था, सब अपना अपना तरीके से निकाल लिया कैसे पार करना है, किसी को भी तैरना भी नहीं आता था फिर भी पार किया था सबमरीन जैसा ऐसा। और पूरा कोई लकड़ी कोई पेड़ पकड़ लिया कोई कुछ पार किया था और पेड़ में बैठ गया, हजारों लोग बैठ गया। और गौरांग महाप्रभु विद्या विचार निकालो कहाँ है वो, है कहाँ वो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गौरांग महाप्रभु जिंदाबाद जिंदाबाद, कहाँ है वो। बहुत भीड़ हो गया तो विद्या विचार एकांत मामला नहीं होगा आपके पास, इधर आपको दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर ही तोड़ देगा कृपया मेरा घर बचाने के लिए थोड़ा दर्शन दीजिए। चैतन्य महाप्रभु क्या करूं, 2 सेकंड के लिए जो है निकल गया थोड़ा हरिबो ना, ऐसा नहीं हुआ हरिबो एकदम उन्होंने बोला भगवान का नाम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
100 गुण ज्यादा आवाज था उस समय, जब पूरा भूकंप जैसे आ गया नेपाल में। इतना लोग सुनना, इतना खुशी हो गया सब लोग निमाय को देख करके। फिर और चैतन्य महाप्रभु फिर घर के अंदर गया, सब लोग तृप्त नहीं हुआ, ये कहाँ गया? गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। वो निकलते नहीं घर से, क्यों निकलते? विद्य विचारपति तुम छुपा के रखा उसको, निकालो ये मार डालेंगे, निकालो उसको। सारे गाली भक्तों के लिए जाते हैं। तो विद्य विचारपति मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, क्या बताओ प्रभु, निकाल। ये वास्तव में मैनेजर का काम है, कुछ भी कुछ हो जाता है, सारे दांदा मैनेजर को मिलता है। इतना बड़ा आंदोलन मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल है। मैं देखना चाहता हूँ कैसे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और टीम मैनेजमेंट करते हैं, ऐसा हाथी यात्रा सारे। हम लोग कभी कभी रुक्मिणी से हंसते हैं कि बोले हम लोग ही समझ सकते हैं क्या। तो विद्य विचारपति मैनेजर था, इतना लोगों को मैनेज करना कैसे, बहुत मुश्किल है। और चैतन्य महाप्रभु अचानक गायब हो गया, चले गए, अप्रकट हो गया। बाप रे बाप, कहाँ चैतन्य महाप्रभु? सब लोग तुम छुपा के उनको रखा, कहाँ है, निकालो उसको। हाँ बंदे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, वास्तव में नहीं जानता हूँ मैंने। नहीं नहीं तुम जानते हैं। और सारे लोग भीड़ तोड़ने लगा, उसको अर्पित करने लगा। नहीं नहीं अब उसको देखो, कुछ नहीं मालूम। और देखा वास्तव में चैतन्य महाप्रभु गायब हो गया, चले गया। कहाँ है बोलो, उसको पकड़ लिया, कहाँ है अब जानते हैं। तो बोला वो कुलिया गांव गया, कुलिया में गया सर। जब पता चला वो, हम लोग उसको उधर कुलिया में ही देखा, सब लोग भी चेंज, धारा चेंज हो गया, सब लोग उधर दौड़ने लगा कुलिया। जब पहुंच गया उसको पूरा घेर लिया। और अंत में चैतन्य महाप्रभु बहुत कीर्तन किया था, आनंदित कीर्तन किया था। और बाद में सारे लोगों से मिलने लगा, चलो ठीक है, दर्शन देने लगा। बहुत साल के बाद सब लोग इतना खुशी थे। जैसे देखिए कभी कभी हमारा प्रचारक और कोई गुरु बहुत साल से समझ लीजिए नहीं आता था हमारे पास, रूस में ऐसा था। कुछ साल के लिए वो सरकार बंद कर दिया हरे कृष्ण हरे राम प्रचार KGB, और गुरु उसमें 10 साल तक कोई एक भी गुरु नहीं आया। एक साल, 10 साल के बाद एक गुरु भी मना किया गया है, कोई भी नहीं आया 10 साल के बाद 1990 में। ठीक है, पहली बार हरिकेश महाराज आ गया। अभी आप मौका अपना अनुभव बता रहा हूँ। उस समय 10 साल के बाद पहली बार चुपकी जमीन के, उसमें स्कूल था और जमीन की जो है वो गोडाउन में नीचे प्रवचन था। उसी दिन मैं आर्मी का जो आर्मी से मेरा पूरा डिप्लोमा मिल गया। देखिए मैं बता रहा हूँ भगवान का लीला, क्या लीला था। उसी दिन मेरा जो है ग्रेजुएशन हो गया, मैं अपना डिप्लोमा लेकर के सरकार में आ गया, आर्मी ऑफिसर हेडक्वार्टर में आ गया, उसी सिटी में। ठीक है, कैपिटल कीव है, यूक्रेन का कीव। और गया, पूरा मेरे को पूरा मोहर लगा दिया, मेरे को जॉब दे दिया मेरे को आर्मी में कैपिटल में। मेरा डिप्लोमा बढ़िया था इसलिए मैं खुद स्वीकार किया था कीव में आ गया। उसी दिन मैं गया था भोजन खाने के लिए। मैं शाकाहारी में स्पोर्ट्समैन था, थोड़ा शाकाहारी था उस समय, वो भी एक प्रकार की पागल है क्योंकि उस समय शाकाहारी कम था लोग। तो हम लोग रेस्टोरेंट में गया था और लाइन था, हम लोग कुछ लेता था और आदमी देता था। तो मैं हमेशा बोलता था मेरे को सूप दीजिए, वो मांस नॉन वेज निकालो, मेरे को केवल पानी चाहिए, सूप चाहिए केवल ऐसा। तो मैंने देखा लाइन में एक लड़का था, वो भी ऐसा बोला, मेरे को सूप चाहिए केवल, सूप निकाल दीजिए वहाँ से। तब हाँ ये मेरा भाई है। उस समय बहुत बहुत कम, जैसा आप एको चंद्रा था मोहन तीन चतर सहस्र सहा, उसके लिए जो है एक चंद्रमा शाकाहारी अगर होता है तो बहुत दुर्लभ चीज़ है। तो सोचे मैं उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ। तो मैं टेबल में उनके साथ बैठ गया। एक्सक्यूज मी सॉरी, आप थोड़ा ऐसा बोला, आपको क्या बीमारी है, या तो आप शाकाहारी हैं, या तो बीमारी या तो शाकाहारी, तीसरा कारण हो ही नहीं सकते। तो बोला हाँ, तो मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, मैं भी थोड़ा शाकाहारी हूँ, मैं थोड़ा बहुत मुश्किल है, सारे लोग क्या क्या खाते हैं, आपके साथ बैठेंगे? हाँ बैठे। और उस समय भक्त बहुत सीधा साधा था। तो मैं बोला आप शाकाहारी हैं? तो उन्होंने बोला ओम सर्वाधर्म परित्यजाम, क्या बोल रहे हैं आप, वेद पुराण जानते हैं? बोला क्या पुराण वेद, पता ही नहीं था रियली। आप जानना चाहते हैं?
लेकिन मेरे पास एक दिमाग थोड़ा खुला था, हमको क्या क्या नहीं पढ़ता था, चाइना, शाओलिन, क्या क्या ग्रीक फिलोसफी, ये भी एक हॉबी हो जाएगा। चलो ठीक है, ये क्या चीज़ है बताइए, जिज्ञासा था। अभी एक गुरु प्रवचन दे रहे, बहुत दुर्लभ, भारत से आया इंडियन, उस समय में शाओलिन चाइनीज मार्शल आर्ट्स गुरु और चाइना कोई मंक, वाह गुरु कुछ ऐसा कुछ खतरनाक चीज है। चलो ठीक है, कहाँ है दिखाइए, तो दिखाइए। उन्होंने बोला एक चैतन्य महाप्रभु का भक्त आ गया। कौन है, देखना चाहते हैं? चलो। तो हम लोग तुरंत भोजन भी छोड़ दिया, हम लोग खत्म नहीं, अभी 10 मिनट के बाद शुरुआत होने वाला है, अभी खत्म करने का समय नहीं है। हम लोग छोड़ दिया, तुरंत कैब टैक्सी पकड़ लिया और गया था। एक स्कूल था, अनाथ घर है, अनाथ घर था, और उसके स्कूल के अंदर नीचे तो मैं गया था। और वो लड़का, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। आप क्यों नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मैं भाग गया, मेरे को ऐसा अंदर डाल दिया और खुद भाग गया, नहीं तो खतरना। और मैं जब पहुंच गया, बहुत सारे पहाड़, चप्पल का पहाड़ देखा, चप्पल जैसे ना, मेरे को बहुत अजीब था, अद्भुत था, ये चप्पल का पहाड़ भा, ये क्या चीज, क्या हो सकते है वास्तव में। तब मैं चलो ठीक है, अगर इधर तक पहुंच गया तो चलो देखते हैं क्या है चीज। मैं यूनिफॉर्म में थे, यूनिफॉर्म ठीक है, मैं प्रवेश करने लगा बूथ में, तो नहीं बूथ निकालना पड़ेगा, बूथ निकालना पड़ेगा, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, मैं अपना बूट निकाल लिया, अगर नियम तो चलो ठीक है, निकाल नियम इसी पहाड़ के सामने रखा, बिल्कुल सामने। और प्रवेश किया था यूनिफॉर्म में, और मैंने देखा लगभग 100-200 लोग बैठे हैं, ऐसा मेरे को आश्चर्य, कैसा यूएफओ, कोई एलियन है, कोई ऐसा एंटीना वाली और पजामा वाला। उस पहला प्रभाव मेरे लिए, वाह ये तो पक्का पागलखाना। हमारा देश में केवल पागलखाना और कराघर में ये कपड़ा उपयोग किया जाता है। अमेरिका यूएस में यही कलर है, कराघारी जो कराघर में रहते हैं उसी कलर का। तब मैंने सोचा वाह मैं कहाँ आ गया, और देखा एक मंक साधु बैठ रहे हैं, वो हरिकेश महाराज था। चलो ठीक है, मैं थोड़ा गट्स था, चलो ठीक है, मैं बैठा नहीं, मैं दीवार के पीछे ऐसा, सब लोगों के पीछे दीवार में ऐसा खड़े हो गया, और मैं सुना ये क्या है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, कोई पागलखाना है, क्या चीज़ है, सेक्ट, फंस गया, मन में आ गया। लेकिन उन्होंने प्रवचन दिया और 7 अध्याय 7वां श्लोक में के बारे में बात कर रहे थे वो, मत्तक परतराम नन्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमतम प्रथम सूत्रे मणिगण है, मैं हूँ लेकिन मेरे को कोई जान नहीं सकते हैं, मैं धागे की तरह, सब लोग मेरे ऊपर रहते हैं लेकिन मैं धागा जैसा, मेरे को दिखाई नहीं देते हैं। तब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, हाँ ये तो सिद्धांत अच्छा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तब मैं अपना नोट, मेरे पास हमेशा नोट था, मैं नोट करने लगा, और वो आदमी जो है मंक थोड़ा अनईजी हो गया, थोड़ा उसको टेंशन में पड़ गया, कोई आर्मी मैन आ गया और सबको लिस्ट बना रहे सबका। ऐसा लगा, अभी मैं समझ रहा हूँ उनको क्यों इतने टेंशन में आ गया, क्योंकि मैं बाद में समझ गया हरिकेश महाराज उनको रशिया से भगा दिया पुलिस KGB, क्योंकि उसको पूरा लिस्ट में डाल देते थे, उकरा घर में डाल देते थे। लेकिन जब सरकार आ गया, बाद में भक्तों को खाली कर दिया कराघर से, लेकिन फिर भी प्रभाव वही संस्कार आ गया। एक आदमी और आर्मी ऑफिसर आ गया और नोट लेकर के नोट लिख रहे हैं, तो हो सके वो सबका जो है नाम लिख रहे हैं, मतलब लिस्ट बना रहे हैं। लेकिन मैं वो उनका श्लोक नोट किया था, तब प्रवचन फटाफट खत्म कर दिया। तब मैं भागू यहाँ से, क्योंकि अभी वो फंस जाऊँगा, अगर सब लोग निकलने लगे तो मैं इसी भीड़ में फंस जाऊँगा। तो मैं निकलने लगा, जब मैं निकलना देखा मेरा बूट जो है खो गया उसी पहाड़ में। मैं ढूंढने लगा मेरा बूट, प्रिय बूट कहाँ है, नहीं मिला मेरे को बूट, समझा, पता ही नहीं है, मैं मुझे मैं बाहर थोड़ी जाऊंगा, क्या करूं। तो जबरदस्ती प्रतीक्षा करना ही पड़ा मेरे को, क्या ये सारे भक्त लोग कैसे, ये कौन है वो लोग, लेकिन मैं प्रतीक्षा करना ही पड़ा। तब तक वो भक्त लोग निकलने लगा, तो वो महाराज निकलने लगा उस समय पहाड़ी, और पीछे पीछे भक्त लोग हरी बोल हरी बोल हरी बोल, मुझे वाह हरी बोल खतरनाक, हरी बोल तो हमको हरी बोल जैसा लगता था, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, एक तो हरी बोल, ये तो हरी बोल होता है ना,
खतरा भाई। लेकिन मैं खड़े हो गया, प्रतीक्षा किया था मैं, कब बूट मिलेगा तब तो जाऊंगा ना, जब वो पहाड़ पूरा निकलेगा तब मैं देखूंगा। नहीं मिला मेरा बूट ये तो याद किया, तो एक बूट नहीं मिला, एक मिला एक नहीं मिला, ये तो जो भी है मेरे को खड़े होना पड़ा। मैं ऐसा और कॉरिडोर बोल के रास्ता बहुत छोटा था, तो मैं दीवार के पीछे पीछे हो गया। वो हरिकेश महाराज ऐसा जा रहे थे और भक्त लोग पीछे पीछे हॉरिबल 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 जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रुक गया मेरे सामने अचानक और रुक गया, और शांति भी ऐसे जैसे अभी शांति है, पूरा एकदम मक्खी भी उड़ेगा सुनाई देगा, इतना शांति हो गया। और तुरंत मेरा मुख में दिखने लगा, ऐसा जा रहे थे रुक गया और मेरे तरफ दिखने लगा, बिल्कुल आँख आँख में दिखने लगा। और मुझे आप क्या होगा, बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल एकदम एक फीट जैसा हो गया, छोटा सा रास्ता था, हमें यू लड़का था, मेरे को दिखने लगा और देख रही कौन है, और अचानक शांति हो गया। और दिख रहे थे 10 सेकंड 15 सेकंड, ऐसा लग रहे चार्जिंग कर रहे थे मेरे को। और अचानक जब चार्जिंग पूरा हो गया, उन्होंने जो सो रहे ना ऐसा मेरे को हो गया, इतना जोर से चिल्लाया हरिओम, पापा पसीना आ गया मुख में, बिल्कुल ऐसा एक फीट था मेरा मुख में हरिओम, और आगे गया और भागता लोग पीछे बूम 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 कीर्तन चला गया, और मैं दीवार में ऐसे जैसे मूवी में दीवार में, वाह अब ये क्या हुआ ये क्या था, तब मैं बूट मिल गया, कहाँ क्या कोने में बूट मिल गया मेरा प्रिय बूट, मैं ले लिया, उससे भागो यहाँ से जल्दी जल्दी भागो, लेकिन मेरे को पता नहीं था हो गया कहा। और मैं जब रास्ते में जा रहे थे उसी स्कूल में, देखा एक सीढ़ी में एक भक्त बैठा था ऐसा बिल्कुल यथारूप, ऐसा बैठ करके पूरा चादर लगा के ऐसा पूरा बंद कर दिया, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रियली, ये तो बहुत खतरनाक संस्था है, मेरे को ऐसा बन जाएगा तो अब क्या होगा। तब मैं इसे चूंकि दूर के दूर के, जब भाई बाहर खतरनाक कोई जरूर कोई ना कोई कतरा है इधर कोई ये उनका गुरु जो है हरी बोल भी ना कोई मतलब पागल है, और ये भी लोग तो पक्का पागल है और मेरे को पता नहीं था जो मैं 30 साल के बाद जो है लगभग जो है पंजाबी बाग में आऊँगा और सुबह सुबह से हरे कृष्ण मैं भी ऐसा नहीं हरे कृष्ण करते हैं हम लोग, लेकिन उस समय मेरे से पहला प्रभाव था ये तो खतरनाक चीज़ है भाई। लेकिन जब मैं निकल गया और इतना ज़बरदस्त कीर्तन था, विश्वास कीजिए हरे कृष्ण और सब लोग नाच रहे थे, मैं जब निकल गया अंदर से, मैं तो यूनिफॉर्म में था, मैं भागने के लिए इच्छा था, लेकिन अंदर से मेरा पैर जो है अपने आप और मेरे पास ऐसा मन में इच्छा आ गया, तुम अपना यूनिफॉर्म निकाल के ऐसा इच्छा और अपना यूनिफॉर्म निकाल के नचना, लेकिन मन बोलते ये पागल है क्या, ये कहाँ से ऐसा इच्छा आ गया आपके पास। तो अंदर जो है वो लड़ाई हो गया मेरा मन के अंदर, एक आधा बोलता था चलो नचो, अब दूसरा ये पागल हो गया क्या, कहाँ नचेंगे। तो उस समय जो है मेरे को पता नहीं था जो अभी तक नचते रहूँगा तो मेरे को अभी लग रहा है वो 10 साल तक जो है वो उनको मौका नहीं मिला राशि में आने के लिए, पूरे चार्ज मेरे ऊपर डाल दिया मुझे इतना गुस्सा था तो सारे अज्ञान को ओम अज्ञान तिमिर अंधास्य अज्ञानांजना वो अपना हरि बोल से नम नाम अकारी बहुधानी जो सर्वशक्ति, और सारे पुण्य होता है शास्त्र में मैंने पढ़ा जो चैतन्य महाप्रभु नाम, हाँ तब अवतार क्यों आ गया, औषधि मायनाश तो बरो लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें आगे, बस ले लो होली नेम। और उसको कहते हैं मैं आपको एक बताऊंगा अंत में, और एक कहानी गुरुदास का बताऊंगा और बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे, बहुत
आगे उड़ गए हम लोग लेकिन मैं बता रहा हूँ जो चैतन्य महाप्रभु और उनका चैतन्य गुण गान जो भक्त लोग चंद्रमा की तरफ हमारा जो है गर्म दिमाग जो है ठंडा कर देते हैं, शीतल कर देते हैं। नित्य पाद कमला कोटि चंद्र सुशीताला लिखा है। कैसे चैतन्य नित्यानंद प्रभु अपना परिसरों के साथ नाच रहे थे, वो लोग पैर भी उड़ा देता था उसको, नाच रहे थे, भूल जाता था सब, इतना कीर्तन में नाचते थे, इतना भगवान का नाम वितरण किया था। और भगवान का नाम जो है इतना पुण्य है उसमें। गोकोति दानम ग्रहणे ग्रहणे का हास्य सहस्र गंग दाक कल्पवास यथा मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर नतमम सतम से। हजारों हजारों गाय जो है, लाखों लाखों गाय सूर्य ग्रहण के समय, कुंभ मेला के समय दान दिया जाए, बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। गोकोति दानम ग्रहणे कहस्य सहस्र गंग तक कल्पवास। कल्पवास माघ महीना में ठंड पानी में करते रहो, श्रीमाती के साथ वनप्रस्थ लोग जो है बजाते दान पुण्य करते, स्नान करते ठंड पानी में, एक महीने के बाद बड़ा पुण्य माना जाता है, उसको स्वर्ग मिलता है, सारे पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं सहस्र गंग तक कल्पवास, हजारों कल्पवास करो, वो भी जोड़ दीजिए कितना पुण्य। और मेरु सुवर्ण दानम, सोने का पहाड़, मेरु पहाड़ जैसा दान दे दो पंजाबी बाग में, कितना पुण्य मिलेगा आपको, एक टुकड़ा नहीं पूरा सोने का पहाड़ जैसे दान दे दो मंदिर में, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो गोकोति दानम ग्रहणे कहाँ से सहस्र गंग तक कल्पवास मेरु सुवर्ण दानम, ये सारे पुण्य एक तरफ से रखिए तराजू में, और दूसरे तरफ से एक बार गोविंद जी का नाम बोल दीजिए, गोविंदा गौरंग, हो गया आपका तपस्या, पुण्य, सहस्र कल्पवास हो गया आपका एक नाम से। और शिला प्रभुपाद हमको एक नाम नहीं 16 नाम दे दिया, इति सुदाशका नामनम कलि कलमासनाशनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी नाम लेकर के पूरा पवित्र, हाँ, हरिवंश पूरा पृथ्वी हो गया एक परिवार, और ऐसे परिवार हो गए जो हम लोग पंजाबी बाग में जैसे अपना घर में आते हैं, कहाँ कहाँ रशियन जापानीज, अभी मायापुर में था, इतना जापान चाइना से लोग आ गया, चाइनीज लोगों को तो भी महामंत्र भी बोलना उच्चारण भी नहीं आते, उनका शब्दकोश में जो है शब्द भी नहीं है ऐसा महामंत्र करने के, भगवान का शब्द भी उनका शब्दकोश में नहीं है, उसको भी बना दिया। एक चाइनीज दोस्त मेरा बोला, प्रभु जी कृष्ण भावनामृत के पहले जो भी कुछ हिलते हैं हम लोग खाता था उसको, जो कुछ हिलते हैं ना उसको पकड़ के हम लोग खाता था, जो भी कुछ जीवित है, संगला चूहा सांप जो भी क्या है, कुर्सी चोर के मजाक में बोला, वास्तव में जो है। लेकिन अभी पक्का शुद्ध भक्ति करते हैं लोग, ये पतित पावन है, और उनके भक्त लोग भगवान से ज्यादा दयालु होता है। तो हम लोग, लेकिन प्रभुपाद जी बोला, लेकिन बहुत प्रेम होना चाहिए भक्तों के बीच में, जब भक्तों के बीच में प्रेम होगा, ये भक्तों के बीच में जब चैतन्य महाप्रभु ने तीन चीज सिखाया हमको, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, है कि नहीं, जीव दया वैष्णव सेवा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा युग धर्म हरिनाम संकीर्तन नहीं वैष्णव सेवा भी है, वैष्णव सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों के बीच में प्रेम अगर होता तो तब तब हम लोग प्रेम नाम ले सकते हैं ना, शुद्ध नाम ले सकते हैं। अगर भक्त तब मजबूत दीवार बन जाएगा, हम लोग बोलते हैं ना ये बहुत सारे पत्थर रख लीजिए, लेकिन पत्थरों में जो मसाला अगर नहीं है उसको तोड़ दीजिए फिर गिर जाएगा, लेकिन हाँ ईंटे के बीच में जब जो मसाला होता है, मित्रता होता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकते हैं, तब असली भगवान का नाम ले सकते हैं, तब सम्यक कीर्तन संकीर्तन होगा। इसलिए उसमें कोई भी, इसलिए वास्तव में भी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हमको चोरी कर दिया, हमारे पास प्लान था इलाहाबाद में, फ़ोन करने से चलो ठीक है, मैं सोचा ऐसा मित्रता कहाँ मिलेगा, जो अंत में मैं बता रहा हूँ आपको वास्तव में ये मेरा अनुभव है, दिन के सारे पूरा फिर दोबारा पूरा संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रभुपाद संस्थापक आचार्य, और पूरा कागज फिर बना दिया प्रभुपाद 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 ये फिर बना दिया, देखिए आपका नाम है इसमें संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, ठीक धन्यवाद
पूरा एकदम आनंद फिर धारा आ गया प्रभुपाद जी. लेकिन प्रभुपाद हमारा मन में नहीं था, हम लोग कब्जा नहीं करना चाहते, आप हमारा पिता हमारा माता आप सब सबका चले. लेकिन आप जो है ना मेरे को मौका दे दिया सोचने के लिए, मत देना किसी को मौका और भविष्य में जो है किसी को मौका मत देना. क्योंकि प्रभुपाद जी का नाम जो है ना ऐसी भक्तिविधान, क्योंकि मैंने पुस्तक लिखा मैंने उस और जो आपको दृष्टि दे दिया ना इसी दृष्टि पालन कीजिए. और प्रभुपाद जी ने बोला मैं प्रॉमिस देता हूँ आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए लेकिन विश्वास कीजिए मैं आपको धोखा देने के लिए नहीं आया. मैं जो मैं दे दिया आपको मैं गारंटी देता हूँ आप भगवान का देश जाएंगे वापस. मैं आपको भगवान के पास लेने के लिए आया हूँ. कोई शंका नहीं रखना चाहिए. इसलिए हम लोग भाग्यशाली हो बोला. इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी हमको शिक्षा दे दिया कितना क्या उसको बोलते हैं वेरी पर्टिकुलर वेरी पर्सनल संस्थापक आचार्य. कौन संस्थापक आचार्य? ओ मंदिर का अध्यक्ष है वो कौन कौन है वो व्यक्तित्व होना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर हम लोग ध्यान देते हैं सम्मान देते हैं एक एक व्यक्ति के साथ जो है बिल्कुल संबंध होना चाहिए पर्सनल व्यक्ति. तो बोला उस समय जब आप आ गया थक गया और तुरंत हमको 45 मिनट दे दिया हाँ पर्सनल रूप में हाँ थक गया फिर भी हम लोग आ गया प्रभु जी ये हमको बिल्कुल क्वालिटी समय दे दिया व्यक्तित्व रूप में अपना सुविधा छोड़ के भक्तों को नया भक्तों को समय दे दिया. तब मैं समझ गया ये व्यक्तित्व जो है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी ने वास्तव में बहुत जरूरी जब भक्तों के साथ संबंध होगा. इसी शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद ज्ञान दे दिया खुद माला पहनता था तिलक लगाता था भक्तों को सेवा करता था. इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ आपका जगह बिल्कुल भगवान का प्रतिनिधि सब भक्त लोग हैं इधर बिल्कुल दूतावास है. लेकिन उसमें गमंद नहीं होना चाहिए और हमको और विनम्र होना चाहिए क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों को आकर्षण करने के लिए भक्तों को जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं बिल्कुल चुंबक जैसा होना चाहिए. और 6:10 श्लोक संख्या 6:10 अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं पूरा संसार गलत दिशा में जा रहा है उसको बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए बहुत सारे मैन एंड वुमेन पुरुष और स्त्री चाहिए जो बुद्धिमान स्त्री जो अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं पूरा संसार को बचाने के लिए. इसलिए मैं बहुत खुशी और वास्तव में प्रभावित हूँ कैसे लोग भगवान को प्राथमिकता बना के चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में भाग लेते हैं और अपने आप को जो है भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ले जाए जन्म सार्थ करी करी पारो पकार. ये बहुत बढ़िया कृपा और सेवा आप कर रहे हैं और जरूर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज खुश होंगे. तो मैं अंत में कौन सा इच्छा आप रखना चाहते हैं अभी मन में रख लीजिएगा और हम लोग 3 मिनट्स के लिए 5 मिनट्स में ये प्रार्थना करते हैं. पूरा आध्यात्मिक शुद्ध इच्छा प्राप्त करने के लिए आज जरूर होगा ये प्रार्थना पढ़ने से. पढ़ना चाहते हैं ये तो हम क्षम तैयार हैं एक डिस्प्ले कर लीजिए. ये श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना श्री गौरांग अष्टोत्तरा शत नाम स्त्रोत्र सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्होंने बोला जो व्यक्ति इसी स्तोत्र को पूरा श्रद्धे के साथ और भक्ति के साथ गौर पूर्णिमा के दिन में पराय करते हैं वहाँ का पूरा वहाँ को शुद्ध इच्छा संपूर्ण हो जाएगा. गौरांग महाप्रभु की आप लोग एक साथ पढ़िए हम लोग एक साथ पढ़ते हैं. नमस्कृत्या प्रवक्ष्यामि देवादेवं जगद्गुरुं नम्नम् अष्टोत्तरशतं चैतन्यमहात्मनः विश्वभारोजितक्रोधो मया मनुष्यविग्रहः अमायिमायिनं श्रेष्ठो वरो दिशो द्विजोत्तमः जगन्नाथ प्रिया सूता पितृभक्तो महामनाः लक्ष्मीकांत सचिपुत्रा प्रेमदो भक्तवत्सलाः
Dvija Priya Dvija Bahu Vaishnava Prana Nayaka Dvijati Pujaka Santa Srivasa Priya Ishvara Tapta Kanchana Gauranga Simha Kribo Mahabhuja Pita Vasa Rakta Patta Sadbhujo Thachaturbhuja Dvibhuja Chagada Pani Chakri Padma Dharu Mala Pancha Janya Dhara Sangri Renu Pani Surottama Gopali La Dharu Yuva Nila Ratna Dharu Rupya Hari Kaushabha Bhushana Srivatsa Lanchano Bhaswan Manidri Kanjalo Chana Tadanka Nila Shri Rudra Lila Kari Guru Priya Swanama Guna Vaktacha Namo Padesha Dayaka Achantala Priya Suddha Sarva Prani Hite Rata Vishwarupa Nuja Sandhya Vatara Shitala Saya Nishimha Karuno Gupta Atma Bhakta Mahanando Natom Ritya Gita Nama Priya Kavi Ardi Priya Suchi Suddho Avado Bhagavat Priya Indradi Sarvado Kesha Vandita Sri Padambuja Nyasi Chudamani Krishna Sanyasa Shram Pavana Chaitanya Krishna Chaitanyo Chana Priya Prano Guna Grahi Jitendriya Adosha Darshi Swamukho Madhura Priya Darshana Pratapta Rudra Samsata Ramananda Priyo Guru Ananta Guna Sampanna Sarva Kitreka Bhavana Vaikuntha Radho Dokesho Bhaktami Ninada Rupadrik Narayano Mahayogi Jnana Bhakti Pradah Prabhu Piyusha Vajana Prithi Avara Satya Vatsaha Ogda Desha Jananandi Sandoha Amrita Rupadrik Yahpathe Pradahmaya Chaitanasya Mahatmana Shadhaya Parayoketa Sotvam Sarga Prema Bhakti Harau Tasya Jayate Natra Samshaya बस दिस इज जो वास्तव में इसी श्रुति फूल या क्या श्रोता क्या है जो व्यक्ति इंग्लिश में पढ़ सकते हैं फल फल क्या फल मिलता है श्रुति फल ये प्रार्थना फल English mein padhu fatafat. It is recommended that upon rising in the morning, one faithfully approach the recite this transcendental sin-destroying prayer of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great soul. One who does will feel the awakening of ecstatic loving devotion unto Lord Hari. Of this there is no doubt. Even if one is afflicted with the incurable disease, one becomes freed from all danger of the ailment. Even if one has committed all types of offenses, one becomes freed from their effects. If one chants this greater prayer with faith and transcendental devotion on Lord Chaitanya's appearance day, Gaura Purnima, the full moon day in the month of Phalguna, then one perpetually attains the fulfillment of their each and every pure desire. If a devotee couple wishes to have a child but are unable, then they will obtain a
Vaishnava child without a doubt. And at the time of death, they will attain remembrance of Sri Chaitanya Deva and enter his eternal pastimes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब जो उपस्थित था आपका सबका बुकिंग हो गया, अभी वेटिंग लिस्ट नहीं है, बुकिंग हो गया. हरे कृष्ण, पुष्प विमान आएगा. हरे कृष्ण. अपने व्यक्तिगत जीवन से ये प्रभु जी हमको सिखाते हैं और प्रेम वश लेके हमने पुकारा और प्रभु जी आगे और यहाँ पे हमें इतना समय दिया. तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा पीछे कुछ सालों से प्रभु जी यहाँ दिल्ली में आ पाए थे पंजाबी भाग में, तो आगे से कहते हैं चाह रहे हैं कि ज्यादा आए प्रभु जी हमारे. और आज के शुभ दिन में आपको एक और शुभ समाचार सुनाना चाहेंगे. सुबह मंगल आरती में बताया था कि आज पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन आप सबको एक बहुत ही सुनहरी अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अमृत का पान करने के लिए. चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आपको उपलब्ध होगा आज स्पेशल डिस्काउंट 50% डिस्काउंट पे. उनको प्राप्त होंगे सुंदर हस्ताक्षर.